हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वासी मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सा और कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो वासी एक 2022 भारतीय मलयालम भाषा की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जो विष्णु जी राठौर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जी सुरेश कुमार द्वारा निर्मित और मेनका सुरेश और रेवती सुरेश द्वारा स्वनिर्मित है। फिल्म में टोबिनो थॉमस और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में हैं। संगीत कैलाश मेनन द्वारा रचित है, छायांकन नील डी कुन्हा द्वारा और संपादन आरजू बेन द्वारा किया गया है। फिल्म 17 जून 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 17 नवम्बर 2021 को शुरू हुई और फिल्मांकन 19 जनवरी 2022 को पूरा हुआ। यह फिल्म 17 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर 17 जुलाई 2022 से मलयालम और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में शुरू हुई। वासी का साउंड ट्रैक कैलाश मेनन द्वारा रचित है और गीत विनायक शासी कुमार के हैं। फिल्म के संगीत अधिकार थिंक म्यूजिक के स्वामित्व में है। एक बातचीत के दौरान फिल्म के केंद्रीय पात्र जो वकील है, इस विचार पर सहमत है कि जीवन में कोई काला और सफेद नहीं है, बल्कि सब कुछ भूरे रंग के विभिन्न शेड्स हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रे बनाने के लिए सबसे बुनियादी संयोजन काला और सफेद है। जूनियर वकील एविन मैथ्यू टोबिनो थॉमस और माधवी मेहन कीर्ति सुरेश दोस्त हैं, जो किसी भी जूनियर वकील के समान संघर्ष साझा करते हैं। जैसे ही वे अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं पर भी सवाल उठा सकती है। फिल्म इस बारे में है कि दोनों जो समान रूप से सक्षम और अहंकारी हैं, स्थिति को कैसे संभालते हैं। जेनिस चाको साइमन की कहानी पर आधारित विष्णु जी राघव की पहली निर्देशित फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है, जो दो माननीय कानूनी पेशेवरों के जीवन के माध्यम से सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दे पर बात करने का प्रयास करती है, जो भागीदारी भी है। फिल्म जो कई भाषाओं में कई फिल्मों की याद दिलाती है, जहां पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण रिश्ते में टकराव पैदा होता है। इसकी पटकथा कमजोर है और यह हमले और नारीवाद पर गलत धारणा देती है। हालांकि टोबिनो थॉमस ने एबिन को ठीक से प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन कीर्ति सुरेश जो कुछ समय के बाद मलयालम सिनेमा में मुख्य भूमिका में दिखाई देती है, माधवी को जीवन देने में विफल रहती है। वह उस मजबूत महिला की भूमिका निभाने के लिए बहुत जोरदार प्रयास करती है, जिसे समान अब फैसले नारीवाद के माध्यम से मनाता है, जबकि वह बोल्ड किरदार बनने के लिए कड़ी मेहनत करती है, जिसमें उसकी शारीरिक भाषा और चेहरे की मुस्कुराहट के कारण स्क्रिप्ट में गहराई की कमी होती है। फिल्म एक बार फिर समकालीन महिलाओं पर पर्दा मर्दाना वस्तुकरण को मजबूत करती है। वर्तमान शहरी मलयाली परिदृश्य में रखे जाने के बावजूद पात्र और विषय पितृसत्तात्मक अधिपन्य वर्ग में निहित महिला पहचान पर परंपराओं और रूढ़ियों से चिपके रहते हैं। यह प्रशंसनीय है कि पुरुष और महिला दोनों नायकों को समान स्थान दिया गया है, फिर भी जैसा कि वह फिल्म में दावा करते हैं, फिल्म माधवी को एक दृढ़ नारीवादी बनने में विफल रहती है। यह प्रयास बहुत सतही है और सच्ची क्षमता वाली मुक्त महिलाओं को निराश करती है। यहाँ एक बार फिर महिलाओं को शादी की शर्तों और रोने के लिए एक पुरुष के कंधे से भरे बक्से के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। विनायक शशि कुमार के गीतों के साथ कैलाश का संगीत कभी कभी राहत लाता है। हर बिंदु पर जब महिला या कोई अन्य अल्पसंख्यक लिंग अपने साथ होने वाले भेदभाव पर चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो हैशटैग मी टू हो या लिंग आधारित हिंसा, हमने ऐसी फिल्म देखी है जो उस विचार को नकारती है और पुरुष कल्पनाओं को सामने लाकर प्रमुख पुरुषत्व को सही ठहराती है। सोचा ऐसा फिल्मों को सशक्तिकरण का टैग नहीं दिया जा सकता, जब कोई प्रताड़ित लोग अभी भी चुप्पी में रहे हैं और कई अन्य लोग कार्यस्थल पर
उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता की 2017 की फिल्म का बहुचर्चित संवाद से और वादी नहीं है का इस्तेमाल किसी दुर्व्यवहार को सही ठहराने के लिए किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि फिल्म दर्शकों के मानस पर क्या प्रभाव डाल सकती है। फिल्म से पता चला है कि फिल्म बिरादरी को रिश्तों, सहमति, दुर्व्यवहार, हमले और नारीवाद पर अभी भी कोई विचार नहीं है। यह उन पुरुष लेखकों के लिए सही समय है जो बाजार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कहानी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जटिल महिला पात्रों को पेश करने का जोखिम उठाते हैं, ताकि महिलाओं को समझ सके जीवन, प्रेम, विवाह, नारीवाद और साहचर्य पर उनके विचार समझ सके। निष्कर्ष निकालते हुए आइए सामने रखे कि को अन्य पुरुष रंगों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। क्या इससे दुनिया को असंख्य असंख्य दृष्टिकोण नहीं मिलेगा? जीवन में वास्तव में कुछ भी काला और सफेद नहीं है। अक्सर हमारा रंगीन प्रतीत होने वाला जीवन दूसर रंगों से प्रभावित होता है। टोमिनो थॉमस और कीर्ति सुरेश अभिनीत वाशी ऐसे परेशान करने वाले रुझानों की खोज करने का एक सरल प्रयास है, जिसे तो वकीलों के दृष्टिकोण से बताया गया है, जो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एविन मैथ्यू और माधवी दो वकील अपने करियर में ब्रेक पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ज्यादातर समय झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जीवन तब जटिल हो जाता है जब वो एक मामले के दो छोर पर पहुंच जाते हैं जो उनके भविष्य का निर्धारण करेगा। शुरुआत में कहानी धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से सामने आती है, जैसे ही कि नवोदित निर्देशक विष्णु राघव पात्रों को विपरीत दिशाओं में रखने से पहले हमें उनसे परिचित कराने के लिए अपना समय लेना चाहते थे। उन्होंने इसमें अच्छा काम किया है। कीर्ति सुरेश और टोविनो थॉमस को उनके लिए प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त जगह थी, ताकि हमें उनके किरदारों से प्यार हो जाए। दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। अधिकांश मलयालम कानूनी नाटकों के विपरीत वासी अधिक सूक्ष्म है। इलाज भी काफी ताजा है। यह केवल अदालत कक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, नहीं यह आक्रामक वकीलों को चित्रित करता है, जो केवल एक बिंदु तक पहुंचने के लिए सामाजिक मुद्दों या घटनाओं के बारे में वक्त टू अवतार से बात करते हैं। यह मामला जो अदालत और घर दोनों में माधवी और एबीन के लिए विवाद का विषय बन गया है, हाल के दिनों में मॉलीवुड में माने जाने वाले मामलों से भी काफी अलग है। फिल्म के निर्माताओं ने समय समय पर कुछ प्रासंगिक बिंदुओं को सामने लाते हुए एक विशेष कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें शिक्षित करने में अपना योगदान दिया है। हालांकि कुछ दृश्यों में देरी है, शायद कुछ क्षेत्रों में नाटकीयता की कमी के कारण और स्क्रिप्ट में कुछ खामियां हैं, लेकिन फिल्म इन चुनौतियों को पार करने में सक्षम है, खासकर अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण। कीर्ति सुरेश इस फिल्म के माध्यम से मॉलीवुड में एक बड़ी वापसी कर रही है और माधवी के रूप में उनके प्रदर्शन ने स्थापित किया है कि वह एक रत्न है जिसे उद्योग में अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि वह यहीं रहने का फैसला करे। तो विनय युवा और खूबसूरत वकील एविन मैथ्यू की भूमिका निभाते हैं, जो एक सहज लेकिन पेशेवर वकील के रूप में सामने आते हैं, जो दिल से रोमांटिक भी है। हालांकि एक ऐसे अभिनेता के लिए जिसने हमें कुछ प्रभावशाली आश्चर्यचकित करने वाला प्रदर्शन दिया है, यह स्पष्ट रूप से उसका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बैजू को एबिन और माधवी दोनों के मित्र और विश्वासपात्र हंसमुख वकील सतीश मल्लूर की भूमिका निभाते हुए देखना मजेदार है। चतुर व्यवसायी जोश के रूप में रोनी डेविड ने भी अच्छा काम किया है, जबकि अन्य कलाकार माया विश्वनाथ, नंदु कोट्टयम, रमेश अपने अभिनय से प्रभावित करते हैं। हालांकि ध्वनि प्रभाव कभी कभी परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन कैलाश मेनन के गदे गाने और विनायक शशि कुमार के लिखे गाने मन भावन है। कुल मिलाकर वाशी हम पर एक प्रभाव छोड़ती है, जिससे हमें दर्शकों पर विषय थोपे बिना मामले के बारे में सोचने का कुछ समय मिलता है। अभिनेता विष्णु राघव द्वारा निर्देशित और वकील के रूप में कीर्ति सुरेश और
टोविन थॉमस अभिनीत वारसी को कसकर पैक किया गया है और इसमें कुछ सुंदर प्रदर्शन है। वारसी साइड स्टोरीज को ज्यादा नहीं खींचती बल्कि सीधे मुद्दे पर आती है। यह फिल्म अदालत कक्ष की तरह कम समय में बताने के लिए बहुत कुछ है। वकील की भूमिका निभा रहे कीर्ति सुरेश और टोविन थॉमस इसे दिलचस्प बनाते हैं। यह बिल्कुल नया विषय नहीं है। जीवन में साझेदारों को अदालत में दद युद्ध करना पड़ता है, लेकिन अपनी पहली फीचर फिल्म का निर्देशन करने वाले अभिनेता विष्णु राघव द्वारा फिल्म की गति और उसके उचार की सराहना की जानी चाहिए। परिचय काफी तेजी से होती है। एविन मैथ्यू के रूप में टोविनो एक कार्यालय के बिना संघर्ष, वकील कीर्ति सुरेश माधवी मोहन के रूप में एक जूनियर वकील जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, और बैजू एक अद्भुत प्रदर्शन में उन दोनों के लिए एक सलाहकार के रूप में कैमरे धारा अपने चेहरे दिखाने में थोड़ी देरी को छोड़कर मुख्य पात्र बिना किसी उपद्रव के कहानी में प्रवेश करते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत, उनकी प्रतिक्रियाओं और संक्षिप्त विस्फोटों में सामने आता है। आप जानते हैं माधवी अधिक गंभीर है, अपने काम पर काफी केंद्रित है, कम मुस्कुराती है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत स्पष्ट है। कीर्ति यहाँ अद्भुत है, सूक्ष्मता उसकी विशेषता प्रतीत होती है। एविन अधिक आकस्मिक है, चीजों को हल्के में लेता है, लेकिन जब काम की बात आती है तो वह काफी अहंकारी होता है। यह भूमिका टोविनो के लिए लगभग तैयार की गई है, शीर्षक से जिसका अर्थ है हर्ट। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी किस ओर जा रही है। एक मामला सामने आता है और एबीन और माधवी अदालत में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक याचिकाकर्ता का पक्ष ले रहा है और दूसरा बचाव पक्ष का। इससे पहले हमें उनके दोनों परिवारों से परिचित कराया जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गीतों कैलाश मेनन द्वारा संगीत का चतुराई से उपयोग किया जाता है। इस जोड़े के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई अजीब दृश्य या विशेष रूप से बनाए गए क्षण नहीं है। इसे चीजों के प्रवाह में बाहर आने की अनुमति दी जाती है। जब एबीन धारा माधवी के मन को जानने की एक मनोरंजन रणनीति विफल हो जाती है, माधवी अधिकांतर करियर के केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सामने आती है। वह उस गति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिस गति से उनका रिश्ता जल्दी ही शादी में बदल जाता है और परिवार इसमें शामिल हो जाते हैं। एविन जो अपने बहनोई रोनी देवी रूप में की मदद से सरकारी वकील बन गया है, अब भी सहज स्वभाव का है, लेकिन परिवार और तस्वीर में मौजूद सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। दोसाजी तक भी होती है जब अदालत में उन्हें विपरीत दिशा में खड़ा करने वाला मामला उत्साह पूर्वक चल रहा होता है। आपको आश्चर्य होता है कि वे शादी क्यों जारी रखेंगे, जबकि वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे पर हमलावर हैं और अदालत कक्ष में व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं। एविन के लगातार इस आग्रह के बावजूद कि वे पेशेवर और व्यक्तिगत को पूरी तरह से अलग रखते हैं, अदालत में मतभेद उनके जीवन में स्पष्ट रूप से व्यक्त है। स्क्रिप्ट शायद जानबूझकर महिलाओं के अधिकारों के बारे में हमेशा मुखर रहने वाले माधवी को एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत आरोपी के पक्ष में खड़ा करती है। अनुमोहन माधवी के ग्राहक के रूप में दिखाई देते हैं। उन पर एक महिला को यह विश्वास दिलाने के बाद कि वे शादी करेंगे, उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। अभिन जिसने एक बार गरीब पुरुषों को गलत तरीके से मामलों में फंसाया के बारे में बात की थी, महिला की वकील बन जाती है। यह शायद आपको यह दिखाने की एक चाल है कि वे दोनों कितने पेशेवर हैं। किसी मामले को लड़ते समय अपने हट विश्वास के लिए खिलाफ जा रहे हैं या फिर वे कितने प्रतिस्पर्धी हैं, किसी भी चीज से ज्यादा दूसरे के खिलाफ जितना चाहते हैं। हालांकि अदालत के दृश्य और रुक रुक कर होने वाले व्यक्तिगत आदान प्रदान सही ढंग से रखे गए हैं, लेकिन वे आपके साथ इतना नहीं जुड़ते हैं
कि आप किसी भी वकील के पक्ष में हो जाएं या परिणाम के बारे में ज्यादा परवाह न करें। स्क्रिप्ट अच्छी गति वाली होने के बावजूद उस गहराई का अभाव है जी आपको जो आपको बांधे रख सकती है, जैसा कि कोर्ट थ्रिलर कर सकती है। सच कहे तो यह एक थ्रिलर से ज्यादा एक रिलेशनशिप ड्रामा है। उस मामले में भी रिश्ता और त्वरित शादी, जबकि उनमें से एक भी इसके लिए तैयार नहीं है, जल्दबाजी और असंबद्ध प्रतीत होता है। यह एक दिलचस्प विचार के रूप में काम करता है, अच्छी गति से चलता है, बिना नाटक के स्क्रिप्टेड है और कुछ सुंदर प्रदर्शनों से भरपूर है। वासी की शुरुआत जज के धुंधले शॉट से होती है, जो एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाएगा जो फिल्म का केंद्र बिंदु बन जाता है। लेकिन जब हम उसका चेहरा देखते हैं, तब भी हम उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि या विचार प्रक्रियाओं से बच जाते हैं। उसका अंतिम निर्णय ही सब कुछ है। वह जो भी विकल्प चुनता है उसे स्वीकार करना पड़ता है, भले ही वास्तविक सच्चाई कुछ भी हो। बाकी सभी लोग, विशेषकर मामले के विपरीत पक्षों के दौरान वकील केवल दलीलें दे सकते हैं, लेकिन अंततः अदालत की कार्यवाही समाप्त होने के बाद दर्शकों को ही निर्णय लेना होता है, क्योंकि वासी में समापन दृश्यों में से एक व्याख्या के लिए खुला है। यह पंजीकृत करता है कि प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी। हालांकि पटकथा में कई दिलचस्प विचार हैं जो मुझे लगता है फिल्म के पक्ष में अच्छा काम करते हैं। सबसे विशेष रूप से शादीशुदा होने का विचार एक मामले में अदालत कक्ष में दंपति के बीच झड़प हो गई। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पत्नी पुरुष का बचाव कर रही है, जबकि पति महिला का बचाव कर रहा है। पुरुष और महिला के बीच जो कुछ हुआ उसके अपने अपने संस्करण है, और माधवी कीर्ति सुरेश एक मुखर और स्वघोषित नारीवादी का मानना है कि सच्चाई पुरुष के पक्ष में है। इस बीच राजनवीक और प्रतीत होता है कि अधिक संवेदनशील एबिन टोविनो थॉमस महिला के संस्करण को स्वीकार करता है। उनके लिए वह असफल नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य में अन्य महिलाएं आगे आने में अनिच्छुक होगी। यहाँ उनके रास्ते में सबसे बड़ी जटिलता खड़ी है। परिवार, मुझे यह पसंद आया कि जब किसी के परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं तो फिल्मी हितों के टकराव के कैसे संबंधित करती है। वह स्थिति है जहाँ एबिन और माधवी अवांछित अनुरोध और माता पिता की मांगे से निपटने की कोशिश करते हैं। मनोरंजक है, इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वकीलों, पुलिस कर्मियों या कानून प्रवर्तन में शामिल किसी भी व्यक्ति का निजी जीवन कितना जटिल होगा। वासी को शुरू में एबिन और माधवी अनुभवहीन पेशेवर लगते हैं, लेकिन जब एबिन को एक रिश्तेदार की सिफारिश पर एक सरकारी वकील के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो उसे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इससे एबिन और माधवी के लिए चीजें अजीब हो जाती है, क्योंकि जब उत्तर रिश्तेदार मदद मांगता है तो माधवी झुकती नहीं है। जीजाजी हो या ना हो, तथ्य ही होते हैं। एबिन ने इस मामले में अलग तरह से प्रतिक्रिया दी होगी, क्योंकि वह अक्सर परिवार के सदस्यों को नाराज़ करने में अनिच्छा प्रदर्शित करता है। जब मुख्य मुद्दे की बात आती है तो परिवार भी एक जटिलता है। उस आदमी का जिसने कथित तौर पर शादी के वादे के साथ महिला को धोखा दिया, जिसके विवरण एबिन और माधवी ने अदालत में जांचे, हर कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। वासी तब सबसे अधिक प्रेरक होती है जब वह एबिन और माधवी की गतिशीलता और चर्चा किए जा रहे मामले के कुछ विवरणों में समानताएं पाती है। जैसे कि जब माधवी उल्लेख करती है कि कैसे संचार समस्याएं किसी को वह मानने पर मजबूर कर सकती है जो दूसरे व्यक्ति ने नहीं सोचा था। अन्य बातों के अलावा ऐसे क्षण जो कभी कभी अदालत कक्ष के अंदर दोनों के बीच बहस का कारण बन जाते हैं, ऐसे ही एक उदाहरण में न्यायाधीश ने उन्हें याद दिलाया कि वे टेलीविजन बहस में भाग नहीं ले रहे हैं। जज के रूप में कुट्टयम रमेश एबिन और माधवी के पारस्परिक वकील मित्र के रूप में
बैजू और एहसान चाहने वाले रिश्तेदार के रूप में रोनी देवी जब भी चीजें पटरी से उतरने की कगार पर लगती है तो बहुत आवश्यक हल्कापन और संतुलन लाते हैं। पटकथा में ऐसे स्थान है जहां इसकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, विशेष रूप से तीसरे भाग में, लेकिन जब भी टोविनो, कीर्ति, कोट्टयम, रमेश या बैजू स्क्रीन पर होते हैं तो गति बढ़ती है। हालांकि फिल्म यह आभास देती है कि यह किसी का पक्ष नहीं लेता लेना चाहती, लेकिन इसके कुछ इरादे गड़बड़े हुए प्रतीत होते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इस पंक्ति को शामिल करना कोई सही और गलत नहीं है, केवल दृष्टिकोण और भूरे रंग के शेड्स एक अच्छा विचार था। शायद हम इसे पात्र के दृष्टिकोण के रूप में खारिज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे यौन शोषण के वास्तविक मामलों पर लागू कर सकते हैं? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने कुकर्मों को सही ठहराने के लिए उस पंक्ति का उपयोग कर रहा है? हाँ, वंशी ने मेरे लिए काफी काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे पूरी निश्चितता के साथ यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इससे के सभी बिंदु वैध हैं। शुक्र है यह ऐसी फिल्म नहीं है जो भावनाओं पर भारी पड़े। भले ही एबीन और माधवी का वैवाहिक सौहार्द प्रभावित हो, और मुझे खुशी है कि पटकथा उन माता पिता को शामिल नहीं किया गया है जो एबीन और माधवी के अंतरार्धमिक विवाह को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। हालांकि शुरुआत में वे थोड़ी आपत्ति व्यक्त करते हैं, लेकिन बाद में वे इसे सही भावना से लेते हैं। निसंदेह यह टोविनो और कीर्ति की केमिस्ट्री है जो मुख्य रूप से फिल्म को बचाए रखती है। मैंने चंचल स्थितियों और मौन उपचार के क्षणों की समान मात्रा में सराहना की। ये दो समझदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं जो अपने पेशे को अपने व्यक्तिगत स्थान से बाहर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते हैं। क्या अधिकांश लोग के साथ ऐसा नहीं है? सिनेमा में कोर्टरूम ड्रामा हमेशा से एक दिलचस्प शैली रही है। अगर कोई पर्याप्त तर्क और विश्वसनीय नाटक के साथ मामलों की गंभीरता को पकड़ सकता है तो वे शानदार देखने को मिलते हैं। नेटफ्लिक्स की नवीनतम रिलीज वासी को उसी शैली से संबंधित है और यह थोड़ी नवीनता पेश करने की कोशिश करती है। क्या दोनों वकील जो एक दूसरे के खिलाफ मामले पर बहस करते हैं वे हमारे फिल्म के नायक और नायिका के हैं, तो क्या फिल्म सम्मोहक तर्क देने में सक्षम है? वासी आमतौर पर एबिन मैथ्यू, टोबिनो थॉमस और माधवी कीर्ति सुरेश को उभरते वकील के रूप में पेश करते हुए शुरू होती है। वे दोनों दोस्त हैं जो जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करने की योजना बनाते हैं, लेकिन चीजें तब खराब होने लगती है जब दोनों को समान करना पड़ता है। मामला विपरीत छोर से है। एबिन पीड़ित पक्ष से मामले को प्रस्तुत करता है और माधवी आरोपी का बचाव करती है, जो एक पेशेवर टकराव के रूप में शुरू होता है। वह धीरे धीरे उनके निजी जीवन को प्रभावित करता है और इसे अहंकार के टकराव में बदल देता है। वासी के पास एक अच्छी कहानी है और नायक और नायिका के बीच टकराव पैदा करने का विचार है। वह भी नायक धारा पीड़ित पक्ष को प्रस्तुत करते हुए, नायिका आरोपी को प्रस्तुत करते हुए, निर्देशक विष्णु ने लैंगिक राजनीति पूर्वाग्रहों से बचने के लिए स्मार्ट विकल्प चुना। हालांकि उन्होंने इस उम्दा कहानी को अच्छी स्क्रिप्ट के साथ पेश करने में सक्षम नहीं हो सका। कुछ अच्छी तरह से लिखे हुए गए क्षण है, लेकिन नाटक के तर्क में खामियां के कारण वे कमजोर हो गए हैं। फिल्म का पहला भाग साफ सुथरा है। फिल्म की हल्की फुल्की प्रकृति है, बिना ज्यादा बढ़ाए अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। दूसरे भाग में फिल्म अपनी गति खो देती है। इसमें एक संवाद है कि सब कुछ हर कोई ग्रे है, लेकिन यह स्क्रीन पर दृश्य रूप से उस बिंदु को नहीं बनाता है। इसमें स्पष्ट रूप से अच्छा और बुरा अंतर है। मामला यह है कि निर्देशक ने मुख्य किरदारों को उजागर किया है। बेहतर लेखन से फिल्म विशेष रूप से दूसरे भाग को अधिक ध्वनिमय बनाया जा सकता था। वासी हमें याद दिलाता है कि सभी महान विचारों को स्क्रीन पर जटिल रूप से स्थानांतरित नहीं किया जाता है। एबिन मैथ्यू ने के रूप में
टोविनो थॉमस उत्कृष्ट थे। उनका आकर्षण और सूक्ष्म प्रदर्शन हमें फिल्म के कमजोर क्षेत्रों में भी देखने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने अपने विजयी प्रदर्शन के साथ पूरी तरह से फिल्म को अपने कंधे पर उठाया। माधवी के रूप में कीर्ति सुरेश ठीक थी, निश्चित रूप से उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन अधिकांश प्रमुख दृश्यों में वह बस अनभिज्ञ दिखी। कोई उनके चरित्र चित्रण को भी दोष दे सकता है या दूसरे भाग में लड़खड़ाता है, जो उनके चरित्र के प्रति अधिक उदासीनता पैदा करता है, जिससे हम अंतिम दृश्य में तर्क के माधवी या एबिना के पक्ष के बीच उलझन में असफल हो जाते हैं। तकनीकी रूप से वाशी पर्याप्त है। नील डी कुन्हा की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। अदालत के माहौल और उसके परिवेश को वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। कैलाश मेनन के गाने सुखदायक है। वे फील गुड मोंटाज के साथ फिल्म के साथ प्रभावित होते हैं और स्कोर धारा यक्षन और नेहा ठीक है। इसके सबसे गंभीर दृश्य में बीजीएम और अधिक तीव्र हो सकता था। अर्जुन बेन धारा संपादन एकदम सही है। केवल 2 घंटे 3 मिनट के रन टाइम के साथ संपादक ने सुनिश्चित किया कि फिल्म कई विचलन के बिना कुरकुरा बनी रहे। एक सुंदर इंटरकट जुक्सापोज़िशन है। पहले भाग में एक नाटकीय अदालत के दृश्य है और एक शादी के दृश्य के बीच यह हमारे अंदर नेतृत्व की प्रबल भावना को दर्ज करता है। वशी के पास कोर्टरूम ड्रामा के प्रति एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, जो दर्शकों को बुद्धिमत्ता का सामना करता है, एक संवेदनशील मुद्दे को चतुराई से संभालता है और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। निर्माता कोर्टरूम ड्रामा को उतनी गंभीर से नहीं लेते हैं, लेकिन ड्रामा आकर्षक है। वाशी का कोर्टरूम ड्रामा सिनेमा के प्रति एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। फिल्म का एक अच्छा हिस्सा अदालत कक्ष में घटित होता है, जबकि बाकी हिस्सा वकीलों के घर में जटिल होता है। कोर्टरूम ड्रामा काफी दिलचस्प है क्योंकि दोनों कानूनी प्रतिनिधि अपने मुवक्किल के पक्ष में फैसले के लिए ठोस तर्क पेश करते हैं। चूंकि कीर्ति और टोविनो स्टार है, इसलिए उनमें से किसी एक के लिए केस जितना आसान बनाना अच्छा विचार नहीं होगा। आमतौर पर इस शैली की फिल्म में होता यह है कि एक नकारात्मक वकील का किरदार व्यज्ञ के साथ विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वाशी में शायद ही कोई व्यज्ञ या जीत का कोई आसान रास्ता है। यह दर्शकों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करता है, एक संवेदनशील मुद्दे को चतुराई से संभालता है और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। हालांकि निर्माता कोर्टरूम ड्रामा को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस तरह की फिल्म तब सबसे अच्छा काम करती है जब दो वकील अपने मामले में गहराई से शामिल होते हैं। हालांकि वाशी में न तो टोविनो का चरित्र और न ही कीर्ति सुरेश का चरित्र मामले की गहराई तक जाता है। जब आप उन्हें उनकी भूमिकाएं निभाते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे इस मामले में उतने निवेशित नहीं हैं, जितना कि उनकी कुछ पंक्तियों से पता चलता है। यह पूरी तरह से अभिनेताओं की गलती नहीं है, क्योंकि निर्माताओं ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। निर्माता हमें बताते रहते हैं कि वकील नहीं चाहते कि उनका पेशेवर जीवन उनके निजी जीवन में प्रवेश करे, भले ही रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। हमारे जीवन के दो पहलुओं को अलग रखना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन कोर्टरूम शैली का सिनेमा उस तरह से काम नहीं करता है। अत्यधिक गहन मामले में के दौरान, जैसे वाशी में, अभिनेताओं को समान रूप से उच्च स्तर की तीव्रता बनाए रखनी चाहिए। यह चीजें आंखों के लिए कुछ ज्यादा ही आसान है या कुछ ज्यादा ही निराश है। इसमें मदद नहीं मिलती कि निर्माता फिल्म के घरेलू पहलू के प्रति हल्का दृष्टिकोण बनाए रखे, यहाँ तक कि जब जोड़े के बीच अंत का टकराव थोड़ी तीव्र स्थिति तक पहुंच जाता है, तो आपको यह आभास होता है कि कोने के में एक सुखद समाधान है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वाशी देखने योग्य नहीं है। यह उम्दा प्रदर्शन वाली लगातार आकर्षण फिल्म है। अनुमोहन और अनघा नारायण के नेक्रमश अभियुक्त
अभियुक्त और वादी के रूप में सक्षम प्रदर्शन किया। बैजू संतोष और रोनी डेविड हंसी के छिटपुट छंद भी पेश करते हैं। टोविनो और कीर्ति एक अच्छी जोड़ी है। उनके कई शुरुआती आदान प्रदान वास्तव में आनंददाय है। उन्हें देखना अच्छा लगता है और जब वे स्क्रीन पर होते हैं फिल्म न देखना कठिन है। मैं बस उन्हें एक अलग फिल्म में देखना चाहता हूँ। वासी 2022 भारतीय मलयालम भाषा की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो विष्णु जी राठौर द्वारा लिखित और निर्देशित है और जी सुरेश कुमार द्वारा निर्मित और मेनका सुरेश और रेवती सुरेश द्वारा स्वनिर्मित है। फिल्म में टोविनो थॉमस और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में है। संगीत कैलाश मेनन द्वारा रचित है। छायांकन नील डी कुन्हा द्वारा और संपादन आरजू बेन द्वारा किया गया है। फिल्म 17 जून 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2021 को शुरू हुई और फिल्मांकन 19 जनवरी 2022 को पूरा हुआ। यह फिल्म 17 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर 17 जुलाई 2022 से मलयालम और तमिल तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में शुरू हुई। वासी का साउंड ट्रैक कैलाश मेनन द्वारा रचित है और गीत विनायक शशि कुमार के हैं। फिल्म के संगीत अधिकार थिंक म्यूजिक के स्वामित्व में हैं। एक बातचीत के दौरान फिल्म के केंद्रीय पात्र जो वकील है इस विचार पर सहमत है कि जीवन में कोई काला और सफेद नहीं है बल्कि सब कुछ भूरे रंग के विभिन्न शेड्स हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रे बनाने के लिए सबसे बुनियादी संयोजन काला और सफेद है। जूनियर वकील एविन मैथ्यू टोविनो थॉमस और माधवी मेहन कीर्ति सुरेश दोस्त हैं जो किसी भी जूनियर वकील के समान संघर्ष साझा करते हैं। जैसे ही वे अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं उन्हें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं पर भी सवाल उठा सकती है। फिल्म इस बारे में है कि दोनों जो समान रूप से सक्षम और अहंकारी हैं स्थिति को कैसे संभालते हैं। जेनिस चाको साइमन की कहानी पर आधारित विष्णु जी राघव की पहली निर्देशित फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है जो दो मानुनी कानूनी पेशेवरों के जीवन के माध्यम से सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दे पर बात करने का प्रयास करती है जो भागीदारी भी है। फिल्म जो कई भाषाओं में कई फिल्मों की याद दिलाती है जहां पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण रिश्ते में टकराव पैदा होता है। इसकी पटकथा कमजोर है और यह हमले और नारीवाद पर गलत धारणा देती है। हालांकि टोविनो थॉमस ने एबिन को ठीक से प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की है लेकिन कीर्ति सुरेश जो कुछ समय के बाद मलयालम सिनेमा में मुख्य भूमिका में दिखाई देती है माधवी को जीवन देने में विफल रहती है। वह उस मजबूत महिला की भूमिका निभाने के लिए बहुत जोरदार प्रयास करती है जिसे समान अब फैसले नारीवाद के माध्यम से मनाता है जबकि वह बोल्ड किरदार बनने के लिए कड़ी मेहनत करती है जिसमें उसकी शारीरिक भाषा और चेहरे की मुस्कुराहट के कारण स्क्रिप्ट में गहराई की कमी होती है। फिल्म एक बार फिर समकालीन महिलाओं पर पर्दा मर्दाना वस्तुकरण को मजबूत करती है। वर्तमान शहरी मलयाली परिदृश्य में रखे जाने के बावजूद पात्र और विषय पितृसत्तात्मक अधिपन्य वर्ग में निहित महिला पहचान पर परंपराओं और रूढ़ियों से चिपके रहते हैं। यह प्रशंसनीय है कि पुरुष और महिला दोनों नायकों को समान स्थान दिया गया है फिर भी जैसा कि वह फिल्म में दावा करते हैं फिल्म माधवी को एक दृढ़ नारीवादी बनने में विफल रहती है। यह प्रयास बहुत सतही है और सच्ची क्षमता वाली मुक्त महिलाओं को निराश करती है। यहाँ एक बार फिर महिलाओं को शादी की शर्तों और रोने के लिए एक पुरुष के कंधे से भरे बक्से के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। विनायक शशि कुमार के गीतों के साथ कैलाश का संगीत कभी कभी राहत लाता है। हर बिंदु पर जब महिला या कोई अन्य अल्पसंख्यक लिंग अपने साथ होने वाले भेदभाव पर चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं चाहे वो #MeToo हो या लिंग आधारित हिंसा। हमने ऐसी फिल्म देखी है जो उस विचार को नकारती है और पुरुष कल्पनाओं को सामने लाकर प्रमुख पुरुषत्व को सही ठहराती है। सोचा ऐसा फिल्मों को सशक्तिकरण
का टैग नहीं दिया जा सकता। जब कोई प्रताड़ित लोग अभी भी चुप्पी में रहे हैं और कई अन्य लोग कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता की 2017 की फिल्म का बहुचर्चित संवाद से और वादी नहीं है का इस्तेमाल किसी दुर्व्यवहार को सही ठहराने के लिए किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि फिल्म दर्शकों के मानस पर क्या प्रभाव डाल सकती है। फिल्म से पता चला है कि फिल्म बिरादरी को रिश्तों, सहमति, दुर्व्यवहार, हमले और नारीवाद पर अभी भी कोई विचार नहीं है। यह उन पुरुष लेखकों के लिए सही समय है जो बाजार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कहानी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जटिल महिला पात्रों को पेश करने का जोखिम उठाते हैं, ताकि महिलाओं को समझ सके जीवन, प्रेम, विवाह, नारीवाद और साहचर्य पर उनके विचार समझ सके। निष्कर्ष निकालते हुए आइए सामने रखे कि को अन्य पुरुष रंगों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। क्या इससे दुनिया को असंख्य दृष्टिकोण नहीं मिलेगा? जीवन में वास्तव में कुछ भी काला और सफेद नहीं है। अक्सर हमारा रंगीन प्रतीत होने वाला जीवन दूसर रंगों से प्रभावित होता है। टोविनो थॉमस और कीर्ति सुरेश अभिनीत वाशी ऐसे परेशान करने वाले रुझानों की खोज करने का एक सरल प्रयास है, जिसे तो वकीलों के दृष्टिकोण से बताया गया है, जो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एविन, मैथ्यू और माधवी दो वकील अपने करियर में ब्रेक पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ज्यादातर समय झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जीवन तब जटिल हो जाता है जब वह एक मामले के दो छोर पर पहुंच जाते हैं जो उनके भविष्य का निर्धारण करेगा। शुरुआत में कहानी धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से सामने आती है, जैसे ही कि नवोदित निर्देशक विष्णु राघव पात्रों को विपरीत दिशाओं में रखने से पहले हमें उनसे परिचित कराने के लिए अपना समय लेना चाहते थे। उन्होंने इसमें अच्छा काम किया है। कीर्ति सुरेश और टोविनो थॉमस को उनके लिए प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त जगह थी, ताकि हमें उनके किरदारों से प्यार हो जाए। दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। अधिकांश मलयालम कानूनी नाटकों के विपरीत वासी अधिक सूक्ष्म है। इलाज भी काफी ताजा है। यह केवल अदालत कक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, नहीं यह आक्रामक वकीलों को चित्रित करता है, जो केवल एक बिंदु तक पहुंचने के लिए सामाजिक मुद्दों या घटनाओं के बारे में वक्त टू अवतार से बात करते हैं। यह मामला जो अदालत और घर दोनों में माधवी और एबीन के लिए विवाद का विषय बन गया है, हाल के दिनों में मॉलीवुड में माने जाने वाले मामलों से भी काफी अलग है। फिल्म के निर्माताओं ने समय समय पर कुछ प्रासंगिक बिंदुओं को सामने लाते हुए एक विशेष कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें शिक्षित करने में अपना योगदान दिया है। हालांकि कुछ दृश्यों में देरी है, शायद कुछ क्षेत्रों में नाटकीयता की कमी के कारण और स्क्रिप्ट में कुछ खामियां हैं, लेकिन फिल्म इन चुनौतियों को पार करने में सक्षम है, खासकर अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण। कीर्ति सुरेश इस फिल्म के माध्यम से मॉलीवुड में एक बड़ी वापसी कर रही है और माधवी के रूप में उनके प्रदर्शन ने स्थापित किया है कि वह एक रत्न है जिसे उद्योग में अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि वह यही रहने का फैसला करे। टोविनो युवा और खूबसूरत वकील एविन मैथ्यू की भूमिका निभाते हैं, जो एक सहज लेकिन पेशेवर वकील के रूप में सामने आते हैं, जो दिल से रोमांटिक भी है। हालांकि एक ऐसे अभिनेता के लिए जिसने हमें कुछ प्रभावशाली आश्चर्यचकित करने वाला प्रदर्शन दिया है, यह स्पष्ट रूप से उसका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बैजू को एबिन और माधवी दोनों के मित्र और विश्वासपात्र हंसमुख वकील सतीश मल्लूर की भूमिका निभाते हुए देखना मजेदार है। चतुर व्यवसायी जोश के रूप में रोनी डेविड ने भी अच्छा काम किया है, जबकि अन्य कलाकार माया विश्वनाथ, नंदू कोट्टयम, रमेश अपने अभिनय से प्रभावित करते हैं। हालांकि ध्वनि प्रभाव कभी कभी परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन कैलाश मेनन के गदे गाने और विनायक शशि कुमार के लिखे गाने मनभावन हैं। कुल मिलाकर वाशी हम पर एक प्रभाव छोड़ती है, जिससे हमें दर्शकों पर विषय थोपे बिना मामले के बारे में
सोचने का कुछ समय मिलता है। अभिनेता विष्णु राघव द्वारा निर्देशित और वकील के रूप में कीर्ति सुरेश और टोबिनो थॉमस अभिनीत वार्षिक को कसकर पैक किया गया है और इसमें कुछ सुंदर प्रदर्शन है। वार्षिक साइड स्टोरीज को ज्यादा नहीं खींचती बल्कि सीधे मुद्दे पर आती है। यह फिल्म अदालत कक्ष की तरह कम समय में बताने के लिए बहुत कुछ है। वकील की भूमिका निभा रहे कीर्ति सुरेश और टोबिनो थॉमस इसे दिलचस्प बनाते हैं। यह बिल्कुल नया विषय नहीं है। जीवन में साझेदारों को अदालत में दद युद्ध करना पड़ता है, लेकिन अपनी पहली फीचर फिल्म का निर्देशन करने वाले अभिनेता विष्णु राघव द्वारा फिल्म की गति और उसके उचार की सराहना की जानी चाहिए। परिचय काफी तेजी से होती है। एविन मैथ्यू के रूप में टोबिनो एक कार्यालय के बिना संघर्ष और वकील कीर्ति सुरेश माधवी मोहन के रूप में एक जूनियर वकील जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, और बैजू एक अद्भुत प्रदर्शन में उन दोनों के लिए एक सलाहकार के रूप में कैमरे धारा अपने चेहरे दिखाने में थोड़ी देरी को छोड़कर मुख्य पात्र बिना किसी उपद्रव के कहानी में प्रवेश करते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत उनकी प्रतिक्रियाओं और संक्षिप्त विस्फोटों में सामने आता है। आप जानते हैं माधवी अधिक गंभीर है, अपने काम पर काफी केंद्रित है, कम मुस्कुराती है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत स्पष्ट है। कीर्ति यहाँ अद्भुत है। सूक्ष्मता उसकी विशेषता प्रतीत होती है। एविन अधिक आकस्मिक है, चीजों को हल्के में लेता है, लेकिन जब काम की बात आती है तो वह काफी अहंकारी होता है। यह भूमिका टोबिनो के लिए लगभग तैयार की गई है, शीर्षक से जिसका अर्थ है हर्ट। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी किस ओर जा रही है। एक मामला सामने आता है और एबीन और माधवी अदालत में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक याचिकाकर्ता का पक्ष ले रहा है और दूसरा बचाव पक्ष का। इससे पहले हमें उनके दोनों परिवारों से परिचित कराया जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गीतों कैलाश मेनन द्वारा संगीत का चतुराई से उपयोग किया जाता है। इस जोड़े के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई अजीब दृश्य या विशेष रूप से बनाए गए क्षण नहीं है। इसे चीजों के प्रवाह में बाहर आने की अनुमति दी जाती है। जब एबीन धारा माधवी के मन को जानने की एक मनोरंजन रणनीति विफल हो जाती है, माधवी अधिकातीर करियर के केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सामने आती है। वह उस गति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिस गति से उनका रिश्ता जल्दी ही शादी में बदल जाता है और परिवार इसमें शामिल हो जाते हैं। एविन जो अपने बहनोई रोनी डेवी रूप में की मदद से सरकारी वकील बन गया है, अब भी सहज स्वभाव का है, लेकिन परिवार और तस्वीर में मौजूद सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। दोसाजी तक भी होती है जब अदालत में उन्हें विपरीत दिशा में खड़ा करने वाला मामला उत्साह पूर्वक चल रहा होता है। आपको आश्चर्य होता है कि वे शादी क्यों जारी रखेंगे, जबकि वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे पर हमलावर हैं और अदालत कक्ष में व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं। एविन के लगातार इस आग्रह के बावजूद कि वे पेशेवर और व्यक्तिगत को पूरी तरह से अलग रखते हैं, अदालत में मतभेद उनके जीवन में स्पष्ट रूप से व्यक्त है। स्क्रिप्ट शायद जानबूझकर महिलाओं के अधिकारों के बारे में हमेशा मुखर रहने वाले माधवी को एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत आरोपी के पक्ष में खड़ा करती है। अनुमोहन माधवी के ग्राहक के रूप में दिखाई देते हैं। उन पर एक महिला को यह विश्वास दिलाने के बाद कि वे शादी करेंगे, उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। अभिन जिसने एक बार गरीब पुरुषों को गलत तरीके से मामलों में फंसाया के बारे में बात की थी, महिला की वकील बन जाती है। यह शायद आपको यह दिखाने की एक चाल है कि वे दोनों कितने पेशेवर हैं। किसी मामले को लड़ते समय अपने हट विश्वास के लिए खिलाफ जा रहे हैं या फिर वे कितने प्रतिस्पर्धी हैं, किसी भी चीज से ज्यादा दूसरे के खिलाफ जितना चाहते हैं। हालांकि अदालत के
दृश्य और रुक रुक कर होने वाले व्यक्तिगत आदान प्रदान सही ढंग से रखे गए हैं, लेकिन वे आपके साथ इतना नहीं जुड़ते हैं कि आप किसी भी वकील के पक्ष में हो जाए या परिणाम के बारे में ज्यादा परवाह न करें। स्क्रिप्ट अच्छी गति वाली होने के बावजूद उस गहराई का अभाव है जी आपको जो आपको बांधे रख सकती है, जैसा कि कोर्ट थ्रिलर कर सकती है। सच कहे तो यह एक थ्रिलर से ज्यादा एक रिलेशनशिप ड्रामा है। उस मामले में भी रिश्ता और त्वरित शादी, जबकि उनमें से एक भी इसके लिए तैयार नहीं है, जल्दबाजी और असंबद्ध प्रतीत होता है। यह एक दिलचस्प विचार के रूप में काम करता है, अच्छी गति से चलता है, बिना नाटक के स्क्रिप्टेड है और कुछ सुंदर प्रदर्शनों से भरपूर है। वासी की शुरुआत जज के धुंधले शॉट से होती है, जो एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाएगा जो फिल्म का केंद्र बिंदु पर जाता है, लेकिन जब हम उसका चेहरा देखते हैं तब भी हम उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि या विचार प्रक्रियाओं से बच जाते हैं। उसका अंतिम निर्णय ही सब कुछ है। वह जो भी विकल्प चुनता है उसे स्वीकार करना पड़ता है, भले ही वास्तविक सच्चाई कुछ भी हो। बाकी सभी लोग, विशेषकर मामले के विपरीत पक्षों के दौरान वकील केवल दलीलें दे सकते हैं, लेकिन अंततः अदालत की कार्यवाही समाप्त होने के बाद दर्शकों को ही निर्णय लेना होता है, क्योंकि वासी में समापन दृश्यों में से एक व्याख्या के लिए खुला है। यह पंजीकृत करता है कि प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी। हालांकि पटकथा में कई दिलचस्प विचार हैं जो मुझे लगता है फिल्म के पक्ष में अच्छा काम करते हैं। सबसे विशेष रूप से शादीशुदा होने का विचार एक मामले में अदालत कक्ष में दंपति के बीच झड़प हो गई। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पत्नी पुरुष का बचाव कर रही है, जबकि पति महिला का बचाव कर रहा है। पुरुष और महिला के बीच जो कुछ हुआ उसके अपने अपने संस्करण है, और माधवी कीर्ति सुरेश एक मुखर और स्वघोषित नारीवादी का मानना है कि सच्चाई पुरुष के पक्ष में है। इस बीच राजनवीक और प्रतीत होता है कि अधिक संवेदनशील एबिन टोविनो थॉमस महिला के संस्करण को स्वीकार करता है। उनके लिए वह असफल नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य में अन्य महिलाएं आगे आने में अनिच्छुक होगी। यहाँ उनके रास्ते में सबसे बड़ी जटिलता खड़ी है। परिवार, मुझे यह पसंद आया कि जब किसी के परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं तो फिल्मी हितों के टकराव के कैसे संबंधित करती है। वह स्थिति है जहाँ एबिन और माधवी अवांछित अनुरोध और माता पिता की मांगे से निपटने की कोशिश करते हैं। मनोरंजक है, इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वकीलों, पुलिस कर्मियों या कानून प्रवर्तन में शामिल किसी भी व्यक्ति का निजी जीवन कितना जटिल होगा। वासी को शुरू में एबिन और माधवी अनुभवी पेशेवर लगते हैं, लेकिन जब एबिन को एक रिश्तेदार की सिफारिश पर एक सरकारी वकील के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो उसे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इससे एबिन और माधवी के लिए चीजें अजीब हो जाती है, क्योंकि जब उत्तर रिश्तेदार मदद मांगता है तो माधवी झुकती नहीं है। जीजाजी हो या ना हो, तथ्य तो तथ्य ही होते हैं। एबिन ने इस मामले में अलग तरह से प्रतिक्रिया दी होगी, क्योंकि वह अक्सर परिवार के सदस्यों को नाराज करने में अनिच्छा प्रदर्शित करता है। जब मुख्य मुद्दे की बात आती है तो परिवार भी एक जटिलता है। उस आदमी का जिसने कथित तौर पर शादी के वादे के साथ महिला को धोखा दिया, जिसके विवरण एबिन और माधवी ने अदालत में जांचे, हर कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। वासी तब सबसे अधिक प्रेरक होती है जब वह एबिन और माधवी की गतिशीलता और चर्चा किए जा रहे मामले के कुछ विवरणों में समानताएं पाती है। जैसे कि जब माधवी उल्लेख करती है कि कैसे संचार समस्याएं किसी को वह मानने पर मजबूर कर सकती है जो दूसरे व्यक्ति ने नहीं सोचा था। अन्य बातों के अलावा ऐसे क्षण जो कभी कभी अदालत कक्ष के अंदर दोनों के बीच बहस का कारण बन जाते हैं, ऐसे ही एक उदाहरण में न्यायाधीश ने उन्हें याद दिलाया कि
वे टेलीविजन बहस में भाग नहीं ले रहे हैं। जज के रूप में कोट्टयम, रमेश, एबिन और माधवी के पारस्परिक वकील मित्र के रूप में बैजू और एहसान, चाहने वाले रिश्तेदार के रूप में रोनी डेविड जब भी चीजें पटरी से उतरने की कगार पर लगती है तो बहुत आवश्यक हल्कापन और संतुलन लाते हैं। पटकथा में ऐसे स्थान है जहां इसकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, विशेष रूप से तीसरे भाग में, लेकिन जब भी टोविनो, कीर्ति, कोट्टयम, रमेश या बैजू स्क्रीन पर होते हैं तो गति बढ़ती है। हालांकि फिल्म यह आभास देती है कि यह किसी का पक्ष नहीं लेना चाहती, लेकिन इसके कुछ इरादे गड़बड़े हुए प्रतीत होते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इस पंक्ति को शामिल करना कोई सही और गलत नहीं है, केवल दृष्टिकोण और भूरे रंग के शेड्स एक अच्छा विचार था। शायद हम इसे पात्रों के दृष्टिकोण के रूप में खारिज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे यौन शोषण के वास्तविक मामलों पर लागू कर सकते हैं? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने कुकर्मों को सही ठहराने के लिए उस पंक्ति का उपयोग कर रहा है? हाँ, वंशी ने मेरे लिए काफी काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे पूरी निश्चितता के साथ यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इससे के सभी बिंदु वैध हैं। शुक्र है यह ऐसी फिल्म नहीं है जो भावनाओं पर भारी पड़े। भले ही एबिन और माधवी का वैवाहिक सौहार्द प्रभावित हो, और मुझे खुशी है कि पटकथा उन माता पिता को शामिल नहीं किया गया है जो एबिन और माधवी के अंतरात्मिक विवाह को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। हालांकि शुरुआत में वे थोड़ी आपत्ति व्यक्त करते हैं, लेकिन बाद में वे इसे सही भावना से लेते हैं। निसंदेह यह टोविनो और कीर्ति की केमिस्ट्री है जो मुख्य रूप से फिल्म को बचाए रखती है। मैंने चंचल स्थितियों और मौन उपचार के क्षणों की समान मात्रा में सराहना की। ये दो समझदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं जो अपने पेशे को अपने व्यक्तिगत स्थान से बाहर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते हैं। क्या अधिकांश लोग के साथ ऐसा नहीं है? सिनेमा में कोर्टरूम ड्रामा हमेशा से एक दिलचस्प शैली रही है। अगर कोई पर्याप्त तर्क और विश्वसनीय नाटक के साथ मामलों की गंभीरता को पकड़ सकता है तो वे शानदार देखने को मिलते हैं। नेटफ्लिक्स की नवीनतम रिलीज वासी को उसी शैली से संबंधित है और यह थोड़ी नवीनता पेश करने की कोशिश करती है। क्या दोनों वकील जो एक दूसरे के खिलाफ मामले पर बहस करते हैं वे हमारे फिल्म के नायक और नायिका के हैं, तो क्या फिल्म सम्मोहक तर्क देने में सक्षम है? वासी आमतौर पर एबिन, मैथ्यू, टोविनो थॉमस और माधवी कीर्ति सुरेश को उभरते वकील के रूप में पेश करते हुए शुरू होती है। वे दोनों दोस्त हैं जो जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करने की योजना बनाते हैं, लेकिन चीजें तब खराब होने लगती है जब दोनों को समान करना पड़ता है। मामला विपरीत छोर से है। एबिन पीड़ित पक्ष से मामले को प्रस्तुत करता है और माधवी आरोपी का बचाव करती है, जो एक पेशेवर टकराव के रूप में शुरू होता है। वह धीरे धीरे उनके निजी जीवन को प्रभावित करता है और इसे अहंकार के टकराव में बदल देता है। वासी के पास एक अच्छी कहानी है और नायक और नायिका के बीच टकराव पैदा करने का विचार है। वह भी नायक धारा पीड़ित पक्ष को प्रस्तुत करते हुए, नायिका आरोपी को प्रस्तुत करते हुए, निर्देशक विष्णु ने लैंगिक राजनीति पूर्वाग्रहों से बचने के लिए स्मार्ट विकल्प चुना। हालांकि उन्होंने इस उम्दा कहानी को अच्छी स्क्रिप्ट के साथ पेश करने में सक्षम नहीं हो सका। कुछ अच्छी तरह से लिखे हुए गए क्षण है, लेकिन नाटक के तर्क में खामियां के कारण वे कमजोर हो गए हैं। फिल्म का पहला भाग साफ सुथरा है। फिल्म की हल्की फुल्की प्रकृति है, बिना ज्यादा बढ़ाए अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। दूसरे भाग में फिल्म अपनी गति खो देती है। इसमें एक संवाद है कि सब कुछ हर कोई ग्रे है, लेकिन यह स्क्रीन पर दृश्य रूप से उस बिंदु को नहीं बनाता है। इसमें स्पष्ट रूप से अच्छा और बुरा अंतर है। मामला यह है कि निर्देशक ने मुख्य किरदारों को उजागर किया है। बेहतर लेखन से फिल्म विशेष रूप से दूसरे भाग को अधिक ध्वनिमय बनाया जा सकता था। वासी हमें
याद दिलाता है कि सभी महान विचारों को स्क्रीन पर जटिल रूप से स्थानांतरित नहीं किया जाता है। एबिन मैथ्यू ने के रूप में टोबिनो थॉमस उत्कृष्ट थे। उनका आकर्षण और सूक्ष्म प्रदर्शन हमें फिल्म के कमजोर क्षेत्रों में भी देखने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने अपने विजयी प्रदर्शन के साथ पूरी तरह से फिल्म को अपने कंधे पर उठाया। माधवी के रूप में कीर्ति सुरेश ठीक थी। निश्चित रूप से उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन अधिकांश प्रमुख दृश्यों में वो बस अनभिज्ञ दिखी। कोई उनके चरित्र चित्रण को भी दोष दे सकता है या दूसरे भाग में लड़खड़ाता है, जो उनके चरित्र के प्रति अधिक उदासीनता पैदा करता है, जिससे हम अंतिम दृश्य में तर्क के माधवी या एबिना के पक्ष के बीच उलझन में असफल हो जाते हैं। तकनीकी रूप से वाशी पर्याप्त है। नील डी कुन्हा की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और अदालत के माहौल और उसके परिवेश को वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। कैलाश मेनन के गाने सुखदायक है। वे फील गुड मोंटाज के साथ फिल्म के साथ प्रभावित होते हैं और स्कोर धारा यक्षन और नेहा ठीक है। इसके सबसे गंभीर दृश्य में बीजीएम और अधिक तीव्र हो सकता था। अर्जुन बेन धारा संपादन एकदम सही है। केवल 2 घंटे 3 मिनट के रन टाइम के साथ संपादक ने सुनिश्चित किया कि फिल्म कई विचलन के बिना कुरकुरा बनी रहे। एक सुंदर इंटरकट जुक्सापोज़िशन है। पहले भाग में एक नाटकीय अदालत के दृश्य है और एक शादी के दृश्य के बीच यह हमारे अंदर नेतृत्व की प्रबल भावना को दर्ज करता है। वशी के पास कोर्टरूम ड्रामा के प्रति एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, जो दर्शकों को बुद्धिमत्ता का सामना करता है, एक संवेदनशील मुद्दे को चतुराई से संभालता है और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। निर्माता कोर्टरूम ड्रामा को उतनी गंभीर से नहीं लेते हैं, लेकिन ड्रामा आकर्षक है। वाशी का कोर्टरूम ड्रामा सिनेमा के प्रति एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। फिल्म का एक अच्छा हिस्सा अदालत कॉक्स में घटित होता है, जबकि बाकी हिस्सा वकीलों के घर में जटिल होता है। कोर्टरूम ड्रामा काफी दिलचस्प है क्योंकि दोनों कानूनी प्रतिनिधि अपने मुवक्किल के पक्ष में फैसले के लिए ठोस तर्क पेश करते हैं। चूंकि कीर्ति और टोबिनो स्टार है, इसलिए उनमें से किसी एक के लिए केस जितना आसान बनाना अच्छा विचार नहीं होगा। आमतौर पर इस शैली की फिल्म में होता यह है कि एक नकारात्मक वकील का किरदार व्यज्ञ के साथ विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वाशी में शायद ही कोई व्यज्ञ या जीत का कोई आसान रास्ता है। यह दर्शकों की बुद्धिमत्ता का सामान करता है, एक संवेदनशील मुद्दे को चतुराई से संभालता है और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। हालांकि निर्माता कोर्टरूम ड्रामा को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस तरह की फिल्म तब सबसे अच्छा काम करती है जब दो वकील अपने मामले में गहराई से शामिल होते हैं। हालांकि वाशी में न तो टोबिनो का चरित्र और न ही कीर्ति सुरेश का चरित्र मामले की गहराई तक जाता है। जब आप उन्हें उनकी भूमिकाएं निभाते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे इस मामले में उतने निवेशित नहीं हैं, जितना कि उनकी कुछ पंक्तियों से पता चलता है। यह पूरी तरह से अभिनेताओं की गलती नहीं है, क्योंकि निर्माताओं ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। निर्माता हमें बताते रहते हैं कि वकील नहीं चाहते कि उनका पेशेवर जीवन उनके निजी जीवन में प्रवेश करे, भले ही रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। हमारे जीवन के दो पहलुओं को अलग रखना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन कोर्टरूम शैली का सिनेमा उस तरह से काम नहीं करता है। अत्यधिक गहन मामले में के दौरान जैसे वाशी में अभिनेताओं को समान रूप से उच्च स्तर की तीव्रता बनाए रखनी चाहिए। यह चीजें आंखों के लिए कुछ ज्यादा ही आसान है या कुछ ज्यादा ही निरस है। इसमें मदद नहीं मिलती कि निर्माता फिल्म के घरेलू पहलू के प्रति हल्का दृष्टिकोण बनाए रखे, यहाँ तक कि जब जोड़े के बीच अंत का टकराव थोड़ी तीव्र स्थिति तक पहुंच जाता है, तो आपको यह आभास होता है कि कोने के में एक सुखद समाधान है।
अब इसका मतलब यह नहीं है कि वह सिर्फ देखने योग्य नहीं है, यह उम्दा प्रदर्शन वाली लगातार आकर्षण फिल्म है। अनुमोहन और अनघा नारायण के नेक्रमश अभियुक्त अभियुक्त और वादी के रूप में सक्षम प्रदर्शन किया। वासी 2022 भारतीय मलयालम भाषा की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो विष्णु जी राघव द्वारा लिखित और निर्देशित है और जी सुरेश कुमार द्वारा निर्मित और मेनका सुरेश और रेवती सुरेश द्वारा स्वनिर्मित है। फिल्म में टोबिनो थॉमस और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में है। संगीत कैलाश मेनन द्वारा रचित है, छायांकन नील डी कुन्हा द्वारा और संपादन आरजू बेन द्वारा किया गया है। फिल्म 17 जून 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2021 को शुरू हुई और फिल्मांकन 19 जनवरी 2022 को पूरा हुआ। यह फिल्म 17 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर 17 जुलाई 2022 से मलयालम और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में शुरू हुई। वासी का साउंड ट्रैक कैलाश मेनन द्वारा रचित है और गीत विनायक शशि कुमार के हैं। फिल्म के संगीत अधिकार थिंक म्यूजिक के स्वामित्व में हैं। एक बातचीत के दौरान फिल्म के केंद्रीय पात्र जो वकील है इस विचार पर सहमत है कि जीवन में कोई काला और सफेद नहीं है बल्कि सब कुछ भूरे रंग के विभिन्न शेड्स हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रे बनाने के लिए सबसे बुनियादी संयोजन काला और सफेद है। जूनियर वकील एविन मैथ्यू टोविनो थॉमस और माधवी मेहन कीर्ति सुरेश दोस्त हैं जो किसी भी जूनियर वकील के समान संघर्ष साझा करते हैं। जैसे ही वे अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं उन्हें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं पर भी सवाल उठा सकती है। फिल्म इस बारे में है कि दोनों जो समान रूप से सक्षम और अहंकारी हैं स्थिति को कैसे संभालते हैं। जेनिस चाको साइमन की कहानी पर आधारित विष्णु जी राघव की पहली निर्देशित फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है जो दो मानुनी कानूनी पेशेवरों के जीवन के माध्यम से सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दे पर बात करने का प्रयास करती है जो भागीदारी भी है। फिल्म जो कई भाषाओं में कई फिल्मों की याद दिलाती है जहां पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण रिश्ते में टकराव पैदा होता है। इसकी पटकथा कमजोर है और यह हमले और नारीवाद पर गलत धारणा देती है। हालांकि टोबिनो थॉमस ने एविन को ठीक से प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की है लेकिन कीर्ति सुरेश जो कुछ समय के बाद मलयालम सिनेमा में मुख्य भूमिका में दिखाई देती है माधवी को जीवन देने में विफल रहती है। वह उस मजबूत महिला की भूमिका निभाने के लिए बहुत जोरदार प्रयास करती है जिसे समान अब फैसले नारीवाद के माध्यम से मनाता है जबकि वह बोल्ड किरदार बनने के लिए कड़ी मेहनत करती है जिसमें उसकी शारीरिक भाषा और चेहरे की मुस्कुराहट के कारण स्क्रिप्ट में गहराई की कमी होती है। फिल्म एक बार फिर समकालीन महिलाओं पर पर्दा मर्दाना वस्तुकरण को मजबूत करती है। वर्तमान शहरी मलयाली परिदृश्य में रखे जाने के बावजूद पात्र और विषय पितृसत्तात्मक अधिपन्य वर्ग में निहित महिला पहचान पर परंपराओं और रूढ़ियों से चिपके रहते हैं। यह प्रशंसनीय है कि पुरुष और महिला दोनों नायकों को समान स्थान दिया गया है फिर भी जैसा कि वह फिल्म में दावा करते हैं फिल्म माधवी को एक दृढ़ नारीवादी बनने में विफल रहती है। यह प्रयास बहुत सतही है और सच्ची क्षमता वाली मुक्त महिलाओं को निराश करती है। यहाँ एक बार फिर महिलाओं को शादी की शर्तों और रोने के लिए एक पुरुष के कंधे से भरे बक्से के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। विनायक शशि कुमार के गीतों के साथ कैलाश का संगीत कभी कभी राहत लाता है। हर बिंदु पर जब महिला या कोई अन्य अल्पसंख्यक लिंग अपने साथ होने वाले भेदभाव पर चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं चाहे वो हैशटैग मी टू हो या लिंग आधारित हिंसा, हमने ऐसी फिल्म देखी है जो उस विचार को नकारती है और पुरुष कल्पनाओं को सामने लाकर प्रमुख पुरुषत्व को सही ठहराती है। सोचा ऐसा फिल्मों को सशक्तिकरण का टैग नहीं दिया जा सकता जब कोई प्रताड़ित लोग अभी भी चुप्पी में रहे हैं और कई अन्य लोग कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे हैं।
इस फिल्म में मुख्य अभिनेता की 2017 की फिल्म का बहुचर्चित संवाद से और वादी नहीं है का इस्तेमाल किसी दुर्व्यवहार को सही ठहराने के लिए किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि फिल्म दर्शकों के मानस पर क्या प्रभाव डाल सकती है। फिल्म से पता चला है कि फिल्म बिरादरी को रिश्तों, सहमति, दुर्व्यवहार, हमले और नारीवाद पर अभी भी कोई विचार नहीं है। यह उन पुरुष लेखकों के लिए सही समय है जो बाजार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कहानी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जटिल महिला पात्रों को पेश करने का जोखिम उठाते हैं, ताकि महिलाओं को समझ सके जीवन, प्रेम, विवाह, नारीवाद और साहचर्य पर उनके विचार समझ सके। निष्कर्ष निकालते हुए आइए सामने रखे कि को अन्य पुरुष रंगों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है, क्या इससे दुनिया को असंख्य असंख्य दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। जीवन में वास्तव में कुछ भी काला और सफेद नहीं है। अक्सर हमारा रंगीन प्रतीत होने वाला जीवन दूसर रंगों से प्रभावित होता है। टोमिनो थॉमस और कीर्ति सुरेश अभिनीत वाशी ऐसे परेशान करने वाले रुझानों की खोज करने का एक सरल प्रयास है, जिसे तो वकीलों के दृष्टिकोण से बताया गया है, जो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एविन, मैथ्यू और माधवी दो वकील अपने करियर में ब्रेक पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ज्यादातर समय झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जीवन तब जटिल हो जाता है जब वह एक मामले के दो छोर पर पहुंच जाते हैं जो उनके भविष्य का निर्धारण करेगा। शुरुआत में कहानी धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से सामने आती है, जैसे ही कि नवोदित निर्देशक विष्णु राघव पात्रों को विपरीत दिशाओं में रखने से पहले हमें उनसे परिचित कराने के लिए अपना समय लेना चाहते थे। उन्होंने इसमें अच्छा काम किया है। कीर्ति सुरेश और टोविनो थॉमस को उनके लिए प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त जगह थी, ताकि हमें उनके किरदारों से प्यार हो जाए। दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। अधिकांश मलयालम कानूनी नाटकों के विपरीत वासी अधिक सूक्ष्म है। इलाज भी काफी ताजा है। यह केवल अदालत कक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, नहीं यह आक्रामक वकीलों को चित्रित करता है, जो केवल एक बिंदु तक पहुंचने के लिए सामाजिक मुद्दों या घटनाओं के बारे में वक्त टू अवतार से बात करते हैं। यह मामला जो अदालत और घर दोनों में माधवी और एबीन के लिए विवाद का विषय बन गया है, हाल के दिनों में मॉलीवुड में माने जाने वाले मामलों से भी काफी अलग है। फिल्म के निर्माताओं ने समय समय पर कुछ प्रासंगिक बिंदुओं को सामने लाते हुए एक विशेष कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें शिक्षित करने में अपना योगदान दिया है। हालांकि कुछ दृश्यों में देरी है, शायद कुछ क्षेत्रों में नाटकीयता की कमी के कारण और स्क्रिप्ट में कुछ खामियां हैं, लेकिन फिल्म इन चुनौतियों को पार करने में सक्षम है, खासकर अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण। कीर्ति सुरेश इस फिल्म के माध्यम से मॉलीवुड में एक बड़ी वापसी कर रही है और माधवी के रूप में उनके प्रदर्शन ने स्थापित किया है कि वह एक रत्न है जिसे उद्योग में अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि वह यहीं रहने का फैसला करे। तो विनय युवा और खूबसूरत वकील एविन मैथ्यू की भूमिका निभाते हैं, जो एक सहज लेकिन पेशेवर वकील के रूप में सामने आते हैं, जो दिल से रोमांटिक भी है। हालांकि एक ऐसे अभिनेता के लिए जिसने हमें कुछ प्रभावशाली आश्चर्यचकित करने वाला प्रदर्शन दिया है, यह स्पष्ट रूप से उसका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बैजू को एबिन और माधवी दोनों के मित्र और विश्वासपात्र हंसमुख वकील सतीश मल्लूर की भूमिका निभाते हुए देखना मजेदार है। चतुर व्यवसायी जोश के रूप में रोनी डेविड ने भी अच्छा काम किया है, जबकि अन्य कलाकार माया विश्वनाथ, नंदू कोट्टयम, रमेश अपने अभिनय से प्रभावित करते हैं। हालांकि ध्वनि प्रभाव कभी कभी परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन कैलाश मेनन के गदे गाने और विनायक शशि कुमार के लिखे गाने मनभावन हैं। कुल मिलाकर वाशी हम पर एक प्रभाव छोड़ती है, जिससे हमें दर्शकों पर विषय थोपे बिना मामले के बारे में सोचने का कुछ समय मिलता है। अभिनेता विष्णु राघव द्वारा निर्देशित और वकील के रूप में कीर्ति सुरेश और टोविनो थॉमस अभिनीत वाशी को
कसकर पैक किया गया है और इसमें कुछ सुंदर प्रदर्शन है। वासी साइड स्टोरीज को ज्यादा नहीं खींचती बल्कि सीधे मुद्दे पर आती है। यह फिल्म अदालत कक्ष की तरह कम समय में बताने के लिए बहुत कुछ है। वकील की भूमिका निभा रहे कीर्ति सुरेश और डोविनो थॉमस इसे दिलचस्प बनाते हैं। यह बिल्कुल नया विषय नहीं है। जीवन में साझेदारों को अदालत में दद युद्ध करना पड़ता है, लेकिन अपनी पहली फीचर फिल्म का निर्देशन करने वाले अभिनेता विष्णु राघव द्वारा फिल्म की गति और उसके उचार की सराहना की जानी चाहिए। परिचय काफी तेजी से होती है। एविन मैथ्यू के रूप में टोबिनो एक कार्यालय के बिना संघर्ष और वकील कीर्ति सुरेश माधवी मोहन के रूप में एक जूनियर वकील जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है और बैजू एक अद्भुत प्रदर्शन में उन दोनों के लिए एक सलाहकार के रूप में कैमरे धारा अपने चेहरे दिखाने में थोड़ी देरी को छोड़कर मुख्य पात्र बिना किसी उपद्रव के कहानी में प्रवेश करते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत उनकी प्रतिक्रियाओं और संक्षिप्त विस्फोटों में सामने आता है। आप जानते हैं माधवी अधिक गंभीर है, अपने काम पर काफी केंद्रित है, कम मुस्कुराती है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत स्पष्ट है। कीर्ति यहाँ अद्भुत है, सूक्ष्मता उसकी विशेषता प्रतीत होती है। एविन अधिक आकस्मिक है, चीजों को हल्के में लेता है, लेकिन जब काम की बात आती है तो वह काफी अहंकारी होता है। यह भूमिका टोबिनो के लिए लगभग तैयार की गई है, शीर्षक से जिसका अर्थ है हर्ट। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी किस ओर जा रही है। एक मामला सामने आता है और एबीन और माधवी अदालत में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक याचिकाकर्ता का पक्ष ले रहा है और दूसरा बचाव पक्ष का। इससे पहले हमें उनके दोनों परिवारों से परिचित कराया जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गीतों कैलाश मेनन द्वारा संगीत का चतुराई से उपयोग किया जाता है। इस जोड़े के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई अजीब दृश्य या विशेष रूप से बनाए गए क्षण नहीं है। इसे चीजों के प्रवाह में बाहर आने की अनुमति दी जाती है। जब एबीन धारा माधवी के मन को जानने की एक मनोरंजन रणनीति विफल हो जाती है, माधवी अधिकातीर करियर के केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सामने आती है। वह उस गति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिस गति से उनका रिश्ता जल्दी ही शादी में बदल जाता है और परिवार इसमें शामिल हो जाते हैं। एविन जो अपने बहनोई रोनी देवी रूप में की मदद से सरकारी वकील बन गया है, अब भी सहज स्वभाव का है, लेकिन परिवार और तस्वीर में मौजूद सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। दोसाजी तक भी होती है जब अदालत में उन्हें विपरीत दिशा में खड़ा करने वाला मामला उत्साह पूर्वक चल रहा होता है। आपको आश्चर्य होता है कि वे शादी क्यों जारी रखेंगे, जबकि वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे पर हमलावर हैं और अदालत कक्ष में व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं। एविन के लगातार इस आग्रह के बावजूद कि वे पेशेवर और व्यक्तिगत को पूरी तरह से अलग रखते हैं, अदालत में मतभेद उनके जीवन में स्पष्ट रूप से व्यक्त है। स्क्रिप्ट शायद जानबूझकर महिलाओं के अधिकारों के बारे में हमेशा मुखर रहने वाले माधवी को एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत आरोपी के पक्ष में खड़ा करती है। अनुमोहन माधवी के ग्राहक के रूप में दिखाई देते हैं। उन पर एक महिला को यह विश्वास दिलाने के बाद कि वे शादी करेंगी, उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। अबीन जिसने एक बार गरीब पुरुषों को गलत तरीके से मामलों में फंसाया के बारे में बात की थी, महिला की वकील बन जाती है। यह शायद आपको यह दिखाने की एक चाल है कि वे दोनों कितने पेशेवर हैं। किसी मामले को लड़ते समय अपने हट विश्वास के लिए खिलाफ जा रहे हैं या फिर वे कितने प्रतिस्पर्धी हैं, किसी भी चीज से ज्यादा दूसरे के खिलाफ जितना चाहते हैं। हालांकि अदालत के दृश्य और रुक रुक कर होने वाले व्यक्तिगत आदान प्रदान सही ढंग से रखे गए हैं, लेकिन वे आपके साथ इतना नहीं जुड़ते हैं कि आप किसी भी वकील के पक्ष में हो जाए।
या परिणाम के बारे में ज्यादा परवाह न करें। स्क्रिप्ट अच्छी गति वाली होने के बावजूद उस गहराई का अभाव है जो आपको बांधे रख सकती है, जैसा कि कोर्ट थ्रिलर कर सकती है। सच कहे तो यह एक थ्रिलर से ज्यादा एक रिलेशनशिप ड्रामा है। उस मामले में भी रिश्ता और त्वरित शादी, जबकि उनमें से एक भी इसके लिए तैयार नहीं है, जल्दबाजी और असंबद्ध प्रतीत होता है। यह एक दिलचस्प विचार के रूप में काम करता है, अच्छी गति से चलता है, बिना नाटक के स्क्रिप्टेड है और कुछ सुंदर प्रदर्शनों से भरपूर है। वासी की शुरुआत जज के धुंधले शॉट से होती है, जो एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाएगा जो फिल्म का केंद्र बिंदु बन जाता है, लेकिन जब हम उसका चेहरा देखते हैं तब भी हम उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि या विचार प्रक्रियाओं से बच जाते हैं। उसका अंतिम निर्णय ही सब कुछ है। वह जो भी विकल्प चुनता है उसे स्वीकार करना पड़ता है, भले ही वास्तविक सच्चाई कुछ भी हो। बाकी सभी लोग, विशेषकर मामले के विपरीत पक्षों के दौरान, वकील केवल दलीलें दे सकते हैं, लेकिन अंततः अदालत की कार्यवाही समाप्त होने के बाद दर्शकों को ही निर्णय लेना होता है, क्योंकि वासी में समापन दृश्यों में से एक व्याख्या के लिए खुला है। यह पंजीकृत करता है कि प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी। हालांकि पटकथा में कई दिलचस्प विचार हैं जो मुझे लगता है फिल्म के पक्ष में अच्छा काम करते हैं। सबसे विशेष रूप से शादीशुदा होने का विचार एक मामले में अदालत कक्ष में दंपति के बीच झड़प हो गई। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पत्नी पुरुष का बचाव कर रही है, जबकि पति महिला का बचाव कर रहा है। पुरुष और महिला के बीच जो कुछ हुआ उसके अपने अपने संस्करण है, और माधवी कीर्ति सुरेश एक मुखर और स्वघोषित नारीवादी का मानना है कि सच्चाई पुरुष के पक्ष में है। इस बीच राजनवीक और प्रतीत होता है कि अधिक संवेदनशील एबिन टोबिनो थॉमस महिला के संस्करण को स्वीकार करता है। उनके लिए वह असफल नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य में अन्य महिलाएं आगे आने में अनिच्छुक होगी। यहाँ उनके रास्ते में सबसे बड़ी जटिलता खड़ी है। परिवार, मुझे यह पसंद आया कि जब किसी के परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं तो फिल्मी हितों के टकराव के कैसे संबंधित करती है। वह स्थिति है जहाँ एबिन और माधवी अवांछित अनुरोध और माता पिता की मांगे से निपटने की कोशिश करते हैं। मनोरंजक है, इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वकीलों, पुलिस कर्मियों या कानून प्रवर्तन में शामिल किसी भी व्यक्ति का निजी जीवन कितना जटिल होगा। वासी को शुरू में एबिन और माधवी अनुभवी पेशेवर लगते हैं, लेकिन जब एबिन को एक रिश्तेदार की सिफारिश पर एक सरकारी वकील के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो उसे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इससे एबिन और माधवी के लिए चीजें अजीब हो जाती है, क्योंकि जब उत्तर रिश्तेदार मदद मांगता है तो माधवी झुकती नहीं है। जीजाजी हो या ना हो, तथ्य ही होते हैं। एबिन ने इस मामले में अलग तरह से प्रतिक्रिया दी होगी, क्योंकि वह अक्सर परिवार के सदस्यों को नाराज करने में अनिच्छा प्रदर्शित करता है। जब मुख्य मुद्दे की बात आती है तो परिवार भी एक जटिलता है। उस आदमी का जिसने कथित तौर पर शादी के वादे के साथ महिला को धोखा दिया, जिसके विवरण एबिन और माधवी ने अदालत में जांचे, हर कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। वासी तब सबसे अधिक प्रेरक होती है जब वह एबिन और माधवी की गतिशीलता और चर्चा किए जा रहे मामले के कुछ विवरणों में समानताएं पाती है। जैसे कि जब माधवी उल्लेख करती है कि कैसे संचार समस्याएं किसी को वह मानने पर मजबूर कर सकती है जो दूसरे व्यक्ति ने नहीं सोचा था। अन्य बातों के अलावा ऐसे क्षण जो कभी कभी अदालत कक्ष के अंदर दोनों के बीच बहस का कारण बन जाते हैं, ऐसे ही एक उदाहरण में न्यायाधीश ने उन्हें याद दिलाया कि वे टेलीविजन बहस में भाग नहीं ले रहे हैं। जज के रूप में कुट्टयम रमेश एबिन और माधवी के पारस्परिक वकील मित्र के रूप में
बैजू और एहसान चाहने वाले रिश्तेदार के रूप में रोनी डेविड जब भी चीजें पटरी से उतरने की कगार पर लगती है तो बहुत आवश्यक हल्कापन और संतुलन लाते हैं। पटकथा में ऐसे स्थान है जहां इसकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, विशेष रूप से तीसरे भाग में, लेकिन जब भी टोविनो, कीर्ति, कोट्टयम, रमेश या बैजू स्क्रीन पर होते हैं तो गति बढ़ती है। हालांकि फिल्म यह आभास देती है कि यह किसी का पक्ष नहीं लेता लेना चाहती, लेकिन इसके कुछ इरादे गड़बड़े हुए प्रतीत होते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इस पंक्ति को शामिल करना कोई सही और गलत नहीं है, केवल दृष्टिकोण और भूरे रंग के शेड्स एक अच्छा विचार था। शायद हम इसे पात्रों के दृष्टिकोण के रूप में खारिज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे यौन शोषण के वास्तविक मामलों पर लागू कर सकते हैं? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने कुकर्मों को सही ठहराने के लिए उस पंक्ति का उपयोग कर रहा है? हाँ, वंशी ने मेरे लिए काफी काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे पूरी निश्चितता के साथ यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इससे के सभी बिंदु वैध हैं। शुक्र है यह ऐसी फिल्म नहीं है जो भावनाओं पर भारी पड़े। भले ही एबीन और माधवी का वैवाहिक सौहार्द प्रभावित हो, और मुझे खुशी है कि पटकथा उन माता पिता को शामिल नहीं किया गया है जो एबीन और माधवी के अंतरात्मिक विवाह को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। हालांकि शुरुआत में वे थोड़ी आपत्ति व्यक्त करते हैं, लेकिन बाद में वे इसे सही भावना से लेते हैं। निसंदेह यह टोविनो और कीर्ति की केमिस्ट्री है जो मुख्य रूप से फिल्म को बचाए रखती है। मैंने चंचल स्थितियों और मौन उपचार के क्षणों की समान मात्रा में सराहना की। ये दो समझदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं जो अपने पेशे को अपने व्यक्तिगत स्थान से बाहर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते हैं। क्या अधिकांश लोग के साथ ऐसा नहीं है? सिनेमा में कोर्टरूम ड्रामा हमेशा से एक दिलचस्प शैली रही है। अगर कोई पर्याप्त तर्क और विश्वसनीय नाटक के साथ मामलों की गंभीरता को पकड़ सकता है तो वे शानदार देखने को मिलते हैं। नेटफ्लिक्स की नवीनतम रिलीज वासी को उसी शैली से संबंधित है और यह थोड़ी नवीनता पेश करने की कोशिश करती है। क्या दोनों वकील जो एक दूसरे के खिलाफ मामले पर बहस करते हैं वे हमारे फिल्म के नायक और नायिका के हैं, तो क्या फिल्म सम्मोहक तर्क देने में सक्षम है? वासी आमतौर पर एबिन मैथ्यू, टोविनो थॉमस और माधवी कीर्ति सुरेश को उभरते वकील के रूप में पेश करते हुए शुरू होती है। वे दोनों दोस्त हैं जो जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करने की योजना बनाते हैं, लेकिन चीजें तब खराब होने लगती है जब दोनों को समान करना पड़ता है। मामला विपरीत छोर से है। एबिन पीड़ित पक्ष से मामले को प्रस्तुत करता है और माधवी आरोपी का बचाव करती है, जो एक पेशेवर टकराव के रूप में शुरू होता है। वह धीरे धीरे उनके निजी जीवन को प्रभावित करता है और इसे अहंकार के टकराव में बदल देता है। वासी के पास एक अच्छी कहानी है और नायक और नायिका के बीच टकराव पैदा करने का विचार है। वह भी नायक धारा पीड़ित पक्ष को प्रस्तुत करते हुए, नायिका आरोपी को प्रस्तुत करते हुए, निर्देशक विष्णु ने लैंगिक राजनीति पूर्वाग्रहों से बचने के लिए स्मार्ट विकल्प चुना। हालांकि उन्होंने इस उम्दा कहानी को अच्छी स्क्रिप्ट के साथ पेश करने में सक्षम नहीं हो सका। कुछ अच्छी तरह से लिखे हुए गए क्षण है, लेकिन नाटक के तर्क में खामियां के कारण वे कमजोर हो गए हैं। फिल्म का पहला भाग साफ सुथरा है। फिल्म की हल्की फुल्की प्रकृति है, बिना ज्यादा बढ़ाए अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। दूसरे भाग में फिल्म अपनी गति खो देती है। इसमें एक संवाद है कि सब कुछ हर कोई ग्रे है, लेकिन यह स्क्रीन पर दृश्य रूप से उस बिंदु को नहीं बनाता है। इसमें स्पष्ट रूप से अच्छा और बुरा अंतर है। मामला यह है कि निर्देशक ने मुख्य किरदारों को उजागर किया है। बेहतर लेखन से फिल्म विशेष रूप से दूसरे भाग को अधिक ध्वनिमय बनाया जा सकता था। वासी हमें याद दिलाता है कि सभी महान विचारों को स्क्रीन पर जटिल रूप से स्थानांतरित नहीं किया जाता है। एबिन मैथ्यू ने के रूप में
टोबिनो थॉमस उत्कृष्ट थे। उनका आकर्षण और सूक्ष्म प्रदर्शन हमें फिल्म के कमजोर क्षेत्रों में भी देखने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने अपने विजयी प्रदर्शन के साथ पूरी तरह से फिल्म को अपने कंधे पर उठाया। माधवी के रूप में कीर्ति सुरेश ठीक थी, निश्चित रूप से उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन अधिकांश प्रमुख दृश्यों में वो बस अनभिज्ञ दिखी। कोई उनके चरित्र चित्रण को भी दोष दे सकता है या दूसरे भाग में लड़खड़ाता है, जो उनके चरित्र के प्रति अधिक उदासीनता पैदा करता है, जिससे हम अंतिम दृश्य में तर्क के माधवी या एबिना के पक्ष के बीच उलझन में असफल हो जाते हैं। तकनीकी रूप से वाशी पर्याप्त है। नील डी कुन्हा की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और अदालत के माहौल और उसके परिवेश को वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। कैलाश मेनन के गाने सुखदायक है। वे फील गुड मोंटाज के साथ फिल्म के साथ प्रभावित होते हैं और स्कोर धारा यक्षन और नेहक ठीक है। इसके सबसे गंभीर दृश्य में बीजीएम और अधिक तीव्र हो सकता था। अर्जुन बेन धारा संपादन एकदम सही है। केवल 2 घंटे 3 मिनट के रन टाइम के साथ संपादक ने सुनिश्चित किया कि फिल्म कई विचलन के बिना कुरकुरा बनी रहे। एक सुंदर इंटरकट जुक्सापोजिशन है। पहले भाग में एक नाटकीय अदालत के दृश्य है और एक शादी के दृश्य के बीच यह हमारे अंदर नेतृत्व की प्रबल भावना को दर्ज करता है। वशी के पास कोर्टरूम ड्रामा के प्रति एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, जो दर्शकों को बुद्धिमत्ता का सामना करता है, एक संवेदनशील मुद्दे को चतुराई से संभालता है और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। निर्माता कोर्टरूम ड्रामा को उतनी गंभीर से नहीं लेते हैं, लेकिन ड्रामा आकर्षक है। वाशी का कोर्टरूम ड्रामा सिनेमा के प्रति एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। फिल्म का एक अच्छा हिस्सा अदालत कक्ष में घटित होता है, जबकि बाकी हिस्सा वकीलों के घर में जटिल होता है। कोर्टरूम ड्रामा काफी दिलचस्प है क्योंकि दोनों कानूनी प्रतिनिधि अपने मुवक्किल के पक्ष में फैसले के लिए ठोस तर्क पेश करते हैं। चूंकि कीर्ति और टोबिनो स्टार है, इसलिए उनमें से किसी एक के लिए केस जितना आसान बनाना अच्छा विचार नहीं होगा। आमतौर पर इस शैली की फिल्म में होता यह है कि एक नकारात्मक वकील का किरदार व्यज्ञ के साथ विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वाशी में शायद ही कोई व्यज्ञ या जीत का कोई आसान रास्ता है। यह दर्शकों की बुद्धिमत्ता का सामान करता है, एक संवेदनशील मुद्दे को चतुराई से संभालता है और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। हालांकि निर्माता कोर्टरूम ड्रामा को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस तरह की फिल्म तब सबसे अच्छा काम करती है जब दो वकील अपने मामले में गहराई से शामिल होते हैं। हालांकि वाशी में न तो टोबिनो का चरित्र और न ही कीर्ति सुरेश का चरित्र मामले की गहराई तक जाता है। जब आप उन्हें उनकी भूमिकाएं निभाते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे इस मामले में उतने निवेशित नहीं हैं, जितना कि उनकी कुछ पंक्तियों से पता चलता है। यह पूरी तरह से अभिनेताओं की गलती नहीं है, क्योंकि निर्माताओं ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। निर्माता हमें बताते रहते हैं कि वकील नहीं चाहते कि उनका पेशेवर जीवन उनके निजी जीवन में प्रवेश करे, भले ही रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। हमारे जीवन के दो पहलुओं को अलग रखना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन कोर्टरूम शैली का सिनेमा उस तरह से काम नहीं करता है। अत्यधिक गहन मामले में के दौरान जैसे वाशी में अभिनेताओं को समान रूप से उच्च स्तर की तीव्रता बनाए रखनी चाहिए। यह चीजें आंखों के लिए कुछ ज्यादा ही आसान है या कुछ ज्यादा ही निरस है। इसमें मदद नहीं मिलती कि निर्माता फिल्म के घरेलू पहलू के प्रति हल्का दृष्टिकोण बनाए रखे, यहाँ तक कि जब जोड़े के बीच अंत का टकराव थोड़ी तीव्र स्थिति तक पहुंच जाता है, तो आपको यह आभास होता है कि कोने के में एक सुखद समाधान है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वाशी देखने योग्य नहीं है। यह उम्दा प्रदर्शन वाली लगातार आकर्षण फिल्म है। वाशी एक 2022 भारतीय मलयालम भाषा की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है,
जो विष्णु जी डॉट राघव द्वारा लिखित और निर्देशित है और जी डॉट सुरेश कुमार द्वारा निर्मित और मेनका सुरेश और रेवती सुरेश द्वारा स्वनिर्मित है। फिल्म में टोबिनो थॉमस और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में है। संगीत कैलाश मेनन द्वारा रचित है, छायांकन नील डी कुन्हा द्वारा और संपादन आरजू बेन द्वारा किया गया है। फिल्म 17 जून 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2021 को शुरू हुई और फिल्मांकन 19 जनवरी 2022 को पूरा हुआ। यह फिल्म 17 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर 17 जुलाई 2022 से मलयालम और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में शुरू हुई। वासी का साउंड ट्रैक कैलाश मेनन द्वारा रचित है और गीत विनायक शासी कुमार के हैं। फिल्म के संगीत अधिकार थिंक म्यूजिक के स्वामित्व में हैं। एक बातचीत के दौरान फिल्म के केंद्रीय पात्र जो वकील हैं, इस विचार पर सहमत हैं कि जीवन में कोई काला और सफेद नहीं है, बल्कि सब कुछ भूरे रंग के विभिन्न शेड्स हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रे बनाने के लिए सबसे बुनियादी संयोजन काला और सफेद है। जूनियर वकील एविन मैथ्यू टोविनो थॉमस और माधवी मेहन कीर्ति सुरेश दोस्त हैं, जो किसी भी जूनियर वकील के समान संघर्ष साझा करते हैं। जैसे ही वे अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं पर भी सवाल उठा सकती है। फिल्म इस बारे में है कि दोनों जो समान रूप से सक्षम और अहंकारी हैं, स्थिति को कैसे संभालते हैं। जेनिस चाको साइमन की कहानी पर आधारित विष्णु जी राघव की पहली निर्देशित फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है, जो दो मानुनी कानूनी पेशेवरों के जीवन के माध्यम से सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दे पर बात करने का प्रयास करती है, जो भागीदारी भी है। फिल्म जो कई भाषाओं में कई फिल्मों की याद दिलाती है, जहां पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण रिश्ते में टकराव पैदा होता है। इसकी पटकथा कमजोर है और यह हमले और नारीवाद पर गलत धारणा देती है। हालांकि टोबिनो थॉमस ने एविन को ठीक से प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन कीर्ति सुरेश जो कुछ समय के बाद मलयालम सिनेमा में मुख्य भूमिका में दिखाई देती है, माधवी को जीवन देने में विफल रहती है। वह उस मजबूत महिला की भूमिका निभाने के लिए बहुत जोरदार प्रयास करती है, जिसे समान अब फैसले नारीवाद के माध्यम से मनाता है, जबकि वह बोल्ड किरदार बनने के लिए कड़ी मेहनत करती है, जिसमें उसकी शारीरिक भाषा और चेहरे की मुस्कुराहट के कारण स्क्रिप्ट में गहराई की कमी होती है। फिल्म एक बार फिर समकालीन महिलाओं पर पर्दा मर्दाना वस्तुकरण को मजबूत करती है। वर्तमान शहरी मलयाली परिदृश्य में रखे जाने के बावजूद पात्र और विषय पितृसत्तात्मक अधिपन्य वर्ग में निहित महिला पहचान पर परंपराओं और रूढ़ियों से चिपके रहते हैं। यह प्रशंसनीय है कि पुरुष और महिला दोनों नायकों को समान स्थान दिया गया है। फिर भी जैसा कि वह फिल्म में दावा करते हैं, फिल्म माधवी को एक दृढ़ नारीवादी बनने में विफल रहती है। यह प्रयास बहुत सतही है और सच्ची क्षमता वाली मुक्त महिलाओं को निराश करती है। यहाँ एक बार फिर महिलाओं को शादी की शर्तों और रोने के लिए एक पुरुष के कंधे से भरे बक्से के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। विनायक शशि कुमार के गीतों के साथ कैलाश का संगीत कभी कभी राहत लाता है। हर बिंदु पर जब महिला या कोई अन्य अल्पसंख्यक लिंग अपने साथ होने वाले भेदभाव पर चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो हैशटैग मी टू हो या लिंग आधारित हिंसा, हमने ऐसी फिल्म देखी है जो उस विचार को नकारती है और पुरुष कल्पनाओं को सामने लाकर प्रमुख पुरुषत्व को सही ठहराती है। सोचा ऐसा फिल्मों को सशक्तिकरण का टैग नहीं दिया जा सकता, जब कोई प्रताड़ित लोग अभी भी चुप्पी में रहे हैं और कई अन्य लोग कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता की 2017 की फिल्म का बहुचर्चित संवाद से और वादी नहीं है का इस्तेमाल किसी दुर्व्यवहार को सही ठहराने के लिए किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि फिल्म दर्शकों के मानस पर क्या प्रभाव डाल सकती है। फिल्म से
पता चला है कि फिल्म बिरादरी को रिश्तों, सहमति, दुर्व्यवहार, हमले और नारीवाद पर अभी भी कोई विचार नहीं है। यह उन पुरुष लेखकों के लिए सही समय है जो बाजार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कहानी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जटिल महिला पात्रों को पेश करने का जोखिम उठाते हैं, ताकि महिलाओं को समझ सके जीवन, प्रेम, विवाह, नारीवाद और साहचर्य पर उनके विचार समझ सके। निष्कर्ष निकालते हुए आइए सामने रखे कि को अन्य पुरुष रंगों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। क्या इससे दुनिया को असंख्य दृष्टिकोण नहीं मिलेगा? जीवन में वास्तव में कुछ भी काला और सफेद नहीं है। अक्सर हमारा रंगीन प्रतीत होने वाला जीवन दूसर रंगों से प्रभावित होता है। टोविनो थॉमस और कीर्ति सुरेश अभिनीत वाशी ऐसे परेशान करने वाले रुझानों की खोज करने का एक सरल प्रयास है, जिसे तो वकीलों के दृष्टिकोण से बताया गया है, जो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एविन, मैथ्यू और माधवी दो वकील अपने करियर में ब्रेक पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ज्यादातर समय झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जीवन तब जटिल हो जाता है जब वह एक मामले के दो छोर पर पहुंच जाते हैं जो उनके भविष्य का निर्धारण करेगा। शुरुआत में कहानी धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से सामने आती है, जैसे ही कि नवोदित निर्देशक विष्णु राघव पात्रों को विपरीत दिशाओं में रखने से पहले हमें उनसे परिचित कराने के लिए अपना समय लेना चाहते थे। उन्होंने इसमें अच्छा काम किया है। कीर्ति सुरेश और टोविनो थॉमस को उनके लिए प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त जगह थी, ताकि हमें उनके किरदारों से प्यार हो जाए। दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। अधिकांश मलयालम कानूनी नाटकों के विपरीत वासी अधिक सूक्ष्म है। इलाज भी काफी ताजा है। यह केवल अदालत कक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, नहीं यह आक्रामक वकीलों को चित्रित करता है जो केवल एक बिंदु तक पहुंचने के लिए सामाजिक मुद्दों या घटनाओं के बारे में वक्त टू अवतार से बात करते हैं। यह मामला जो अदालत और घर दोनों में माधवी और एबीन के लिए विवाद का विषय बन गया है, हाल के दिनों में मॉलीवुड में माने जाने वाले मामलों से भी काफी अलग है। फिल्म के निर्माताओं ने समय समय पर कुछ प्रासंगिक बिंदुओं को सामने लाते हुए एक विशेष कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें शिक्षित करने में अपना योगदान दिया है। हालांकि कुछ दृश्यों में देरी है, शायद कुछ क्षेत्रों में नाटकीयता की कमी के कारण और स्क्रिप्ट में कुछ खामियां हैं, लेकिन फिल्म इन चुनौतियों को पार करने में सक्षम है, खासकर अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण। कीर्ति सुरेश इस फिल्म के माध्यम से मॉलीवुड में एक बड़ी वापसी कर रही है और माधवी के रूप में उनके प्रदर्शन ने स्थापित किया है कि वह एक रत्न है जिसे उद्योग में अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि वह यही रहने का फैसला करे। तो विनय युवा और खूबसूरत वकील एविन मैथ्यू की भूमिका निभाते हैं, जो एक सहज लेकिन पेशेवर वकील के रूप में सामने आते हैं, जो दिल से रोमांटिक भी है। हालांकि एक ऐसे अभिनेता के लिए जिसने हमें कुछ प्रभावशाली आश्चर्यचकित करने वाला प्रदर्शन दिया है, यह स्पष्ट रूप से उसका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बैजू को एबिन और माधवी दोनों के मित्र और विश्वास पात्र हसमुख वकील सतीश मल्लूर की भूमिका निभाते हुए देखना मजेदार है। चतुर व्यवसायी जोश के रूप में रोनी डेविड ने भी अच्छा काम किया है, जबकि अन्य कलाकार माया विश्वनाथ, नंदु कोट्टयम, रमेश अपने अभिनय से प्रभावित करते हैं। हालांकि ध्वनि प्रभाव कभी कभी परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन कैलाश मेनन के गदे गाने और विनायक शशि कुमार के लिखे गाने मनभावन हैं। कुल मिलाकर वाशी हम पर एक प्रभाव छोड़ती है, जिससे हमें दर्शकों पर विषय थोड़े थोपे बिना मामले के बारे में सोचने का कुछ समय मिलता है। अभिनेता विष्णु राघव द्वारा निर्देशित और वकील के रूप में कीर्ति सुरेश और टोविनो थॉमस अभिनीत वाशी को कसकर पैक किया गया है और इसमें कुछ सुंदर प्रदर्शन है। वाशी साइड स्टोरीज को ज्यादा नहीं खींचती बल्कि सीधे मुद्दे पर आती है। यह फिल्म अदालत कक्ष की तरह कम समय में बताने के लिए बहुत कुछ है।
वकील की भूमिका निभा रहे कीर्ति सुरेश और टॉबिनो थॉमस इसे दिलचस्प बनाते हैं। यह बिल्कुल नया विषय नहीं है। जीवन में साझेदारों को अदालत में धद युद्ध करना पड़ता है, लेकिन अपनी पहली फीचर फिल्म का निर्देशन करने वाले अभिनेता विष्णु राघव द्वारा फिल्म की गति और उसके उचार की सराहना की जानी चाहिए। परिचय काफी तेजी से होती है। एविन मैथ्यू के रूप में टोबिनो एक कार्यालय के बिना संघर्ष, वकील कीर्ति सुरेश माधवी मोहन के रूप में एक जूनियर वकील जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, और बैजू एक अद्भुत प्रदर्शन में उन दोनों के लिए एक सलाहकार के रूप में कैमरे धारा अपने चेहरे दिखाने में थोड़ी देरी को छोड़कर मुख्य पात्र बिना किसी उपद्रव के कहानी में प्रवेश करते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत, उनकी प्रतिक्रियाओं और संक्षिप्त विस्फोटों में सामने आता है। आप जानते हैं माधवी अधिक गंभीर है, अपने काम पर काफी केंद्रित है, कम मुस्कुराती है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत स्पष्ट है। कीर्ति यहाँ अद्भुत है, सूक्ष्मता उसकी विशेषता प्रतीत होती है। एविन अधिक आकस्मिक है, चीजों को हल्के में लेता है, लेकिन जब काम की बात आती है तो वह काफी अहंकारी होता है। यह भूमिका टोबिनो के लिए लगभग तैयार की गई है, शीर्षक से जिसका अर्थ है हर्ट। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी किस ओर जा रही है। एक मामला सामने आता है और एबीन और माधवी अदालत में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक याचिकाकर्ता का पक्ष ले रहा है और दूसरा बचाव पक्ष का। इससे पहले हमें उनके दोनों परिवारों से परिचित कराया जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गीतों कैलाश मेनन द्वारा संगीत का चतुराई से उपयोग किया जाता है। इस जोड़े के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई अजीब दृश्य या विशेष रूप से बनाए गए क्षण नहीं है। इसे चीजों के प्रवाह में बाहर आने की अनुमति दी जाती है। जब एबीन द्वारा माधवी के मन को जानने की एक मनोरंजन रणनीति विफल हो जाती है, माधवी अधिकातिर करियर के केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सामने आती है। वह उस गति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिस गति से उनका रिश्ता जल्दी ही शादी में बदल जाता है और परिवार इसमें शामिल हो जाते हैं। एविन जो अपने बहनोई रोनी देवी रूप में की मदद से सरकारी वकील बन गया है, अब भी सहज स्वभाव का है, लेकिन परिवार और तस्वीर में मौजूद सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। दोसाजी तक भी होती है जब अदालत में उन्हें विपरीत दिशा में खड़ा करने वाला मामला उत्साह पूर्वक चल रहा होता है। आपको आश्चर्य होता है कि वे शादी क्यों जारी रखेंगे, जबकि वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे पर हमलावर हैं और अदालत कक्ष में व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं। एविन के लगातार इस आग्रह के बावजूद कि वे पेशेवर और व्यक्तिगत को पूरी तरह से अलग रखते हैं, अदालत में मतभेद उनके जीवन में स्पष्ट रूप से व्यक्त है। स्क्रिप्ट शायद जानबूझकर महिलाओं के अधिकारों के बारे में हमेशा मुखर रहने वाले माधवी को एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत आरोपी के पक्ष में खड़ा करती है। अनुमोहन माधवी के ग्राहक के रूप में दिखाई देते हैं। उन पर एक महिला को यह विश्वास दिलाने के बाद कि वे शादी करेंगे, उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। अभी जिसने एक बार गरीब पुरुषों को गलत तरीके से मामलों में फंसाया के बारे में बात की थी, महिला की वकील बन जाती है। यह शायद आपको यह दिखाने की एक चाल है कि वे दोनों कितने पेशेवर हैं। किसी मामले को लड़ते समय अपने हट विश्वास के लिए खिलाफ जा रहे हैं या फिर वे कितने प्रतिस्पर्धी हैं, किसी भी चीज से ज्यादा दूसरे के खिलाफ जितना चाहते हैं। हालांकि अदालत के दृश्य और रुक रुक कर होने वाले व्यक्तिगत आदान प्रदान सही ढंग से रखे गए हैं, लेकिन वे आपके साथ इतना नहीं जुड़ते हैं कि आप किसी भी वकील के पक्ष में हो जाए या परिणाम के बारे में ज्यादा परवाह न करें। स्क्रिप्ट अच्छी गति वाली होने के बावजूद उस गहराई का अभाव है जो आपको बांधे रख सकती है, जैसा कि कोर्ट थ्रिलर कर सकती है।
सच कहे तो यह एक थ्रिलर से ज्यादा एक रिलेशनशिप ड्रामा है। उस मामले में भी रिश्ता और त्वरित शादी, जबकि उनमें से एक भी इसके लिए तैयार नहीं है, जल्दबाजी और असंबद्ध प्रतीत होता है। यह एक दिलचस्प विचार के रूप में काम करता है, अच्छी गति से चलता है, बिना नाटक के स्क्रिप्टेड है और कुछ सुंदर प्रदर्शनों से भरपूर है। वासी की शुरुआत जज के धुंधले शॉट से होती है, जो एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाएगा जो फिल्म का केंद्र बिंदु बन जाता है। लेकिन जब हम उसका चेहरा देखते हैं, तब भी हम उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि या विचार प्रक्रियाओं से बच जाते हैं। उसका अंतिम निर्णय ही सब कुछ है। वह जो भी विकल्प चुनता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है, भले ही वास्तविक सच्चाई कुछ भी हो। बाकी सभी लोग, विशेषकर मामले के विपरीत पक्षों के दौरान वकील केवल दलीलें दे सकते हैं, लेकिन अंततः अदालत की कार्यवाही समाप्त होने के बाद दर्शकों को ही निर्णय लेना होता है, क्योंकि वासी में समापन दृश्यों में से एक व्याख्या के लिए खुला है। यह पंजीकृत करता है कि प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी। हालांकि पटकथा में कई दिलचस्प विचार हैं जो मुझे लगता है फिल्म के पक्ष में अच्छा काम करते हैं। सबसे विशेष रूप से शादीशुदा होने का विचार एक मामले में अदालत कक्ष में दंपति के बीच झड़प हो गई। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पत्नी पुरुष का बचाव कर रही है, जबकि पति महिला का बचाव कर रहा है। पुरुष और महिला के बीच जो कुछ हुआ, उसके अपने अपने संस्करण है, और माधवी कीर्ति सुरेश एक मुखर और स्वघोषित नारीवादी का मानना है कि सच्चाई पुरुष के पक्ष में है। इस बीच राजनवीक और प्रतीत होता है कि अधिक संवेदनशील एबिन टोविनो थॉमस महिला के संस्करण को स्वीकार करता है। उनके लिए वह असफल नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य में अन्य महिलाएं आगे आने में अनिच्छुक होगी। यहाँ उनके रास्ते में सबसे बड़ी जटिलता खड़ी है। परिवार, मुझे यह पसंद आया कि जब किसी के परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, तो फिल्मी हितों के टकराव के कैसे संबंधित करती है। वह स्थिति है जहाँ एबिन और माधवी अवांछित अनुरोध और माता पिता की मांगे से निपटने की कोशिश करते हैं। मनोरंजक है। इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वकीलों, पुलिस कर्मियों या कानून प्रवर्तन में शामिल किसी भी व्यक्ति का निजी जीवन कितना जटिल होगा। वासी को शुरू में एबिन और माधवी अनुभवहीन पेशेवर लगते हैं, लेकिन जब एबिन को एक रिश्तेदार की सिफारिश पर एक सरकारी वकील के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो उसे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इससे एबिन और माधवी के लिए चीजें अजीब हो जाती है, क्योंकि जब उत्तर रिश्तेदार मदद मांगता है, तो माधवी झुकती नहीं है। जीजाजी हो या ना हो, तथ्य तो तथ्य ही होते हैं। एबिन ने इस मामले में अलग तरह से प्रतिक्रिया दी होगी, क्योंकि वह अक्सर परिवार के सदस्यों को नाराज करने में अनिच्छा प्रदर्शित करता है। जब मुख्य मुद्दे की बात आती है, तो परिवार भी एक जटिलता है। उस आदमी का जिसने कथित तौर पर शादी के वादे के साथ महिला को धोखा दिया, जिसके विवरण एबिन और माधवी ने अदालत में जांचे, हर कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। वासी तब सबसे अधिक प्रेरक होती है जब वह एबिन और माधवी की गतिशीलता और चर्चा किए जा रहे मामले के कुछ विवरणों में समानताएं पाती है। जैसे कि जब माधवी उल्लेख करती है कि कैसे संचार समस्याएं किसी को वह मानने पर मजबूर कर सकती है जो दूसरे व्यक्ति ने नहीं सोचा था। अन्य बातों के अलावा ऐसे क्षण जो कभी कभी अदालत कक्ष के अंदर दोनों के बीच बहस का कारण बन जाते हैं, ऐसे ही एक उदाहरण में न्यायाधीश ने उन्हें याद दिलाया कि वे टेलीविजन बहस में भाग नहीं ले रहे हैं। जज के रूप में कुट्टयम रमेश एबिन और माधवी के पारस्परिक वकील मित्र के रूप में, बैजू और एहसान चाहने वाले रिश्तेदार के रूप में, रोनी डेविड जब भी चीजें पटरी से उतरने की कगार पर लगती है, तो बहुत आवश्यक हल्कापन और संतुलन लाते हैं। पटकथा में ऐसे स्थान है जहां इसकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है,
विशेष रूप से तीसरे भाग में, लेकिन जब भी टोविनो कीर्ति कोट्टयम रमेश या बैजू स्क्रीन पर होते हैं तो गति बढ़ती है। हालांकि फिल्म यह आभास देती है कि यह किसी का पक्ष नहीं लेता लेना चाहती, लेकिन इसके कुछ इरादे गड़बड़े हुए प्रतीत होते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इस पंक्ति को शामिल करना कोई सही और गलत नहीं है, केवल दृष्टिकोण और भूरे रंग के शेड्स एक अच्छा विचार था। शायद हम इसे पात्र के दृष्टिकोण के रूप में खारिज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे यौन शोषण के वास्तविक मामलों पर लागू कर सकते हैं? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने कुकर्मों को सही ठहराने के लिए उस पंक्ति का उपयोग कर रहा है? हाँ, वंशी ने मेरे लिए काफी काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे पूरी निश्चितता के साथ यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इससे के सभी बिंदु वैध हैं। शुक्र है यह ऐसी फिल्म नहीं है जो भावनाओं पर भारी पड़े। भले ही एबीन और माधवी का वैवाहिक सौहार्द प्रभावित हो, और मुझे खुशी है कि पटकथा उन माता पिता को शामिल नहीं किया गया है जो एबीन और माधवी के अंतराध्यात्मिक विवाह को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। हालांकि शुरुआत में वे थोड़ी आपत्ति व्यक्त करते हैं, लेकिन बाद में वे इसे सही भावना से लेते हैं। निसंदेह यह टोविनो और कीर्ति की केमिस्ट्री है जो मुख्य रूप से फिल्म को बचाए रखती है। मैंने चंचल स्थितियों और मौन उपचार के क्षणों की समान मात्रा में सराहना की। ये दो समझदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं जो अपने पेशे को अपने व्यक्तिगत स्थान से बाहर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते हैं। क्या अधिकांश लोग के साथ ऐसा नहीं है? सिनेमा में कोर्टरूम ड्रामा हमेशा से एक दिलचस्प शैली रही है। अगर कोई पर्याप्त तर्क और विश्वसनीय नाटक के साथ मामलों की गंभीरता को पकड़ सकता है तो वे शानदार देखने को मिलते हैं। नेटफ्लिक्स की नवीनतम रिलीज वासी को उसी शैली से संबंधित है और यह थोड़ी नवीनता पेश करने की कोशिश करती है। क्या दोनों वकील जो एक दूसरे के खिलाफ मामले पर बहस करते हैं वे हमारे फिल्म के नायक और नायिका के हैं, तो क्या फिल्म सम्मोहक तर्क देने में सक्षम है? वासी आमतौर पर एबिन मैथ्यू, टोविनो थॉमस और माधवी कीर्ति सुरेश को उभरते वकील के रूप में पेश करते हुए शुरू होती है। वे दोनों दोस्त हैं जो जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करने की योजना बनाते हैं, लेकिन चीजें तब खराब होने लगती है जब दोनों को समान करना पड़ता है। मामला विपरीत छोर से है। एबिन पीड़ित पक्ष से मामले को प्रस्तुत करता है और माधवी आरोपी का बचाव करती है, जो एक पेशेवर टकराव के रूप में शुरू होता है। वह धीरे धीरे उनके निजी जीवन को प्रभावित करता है और इसे अहंकार के टकराव में बदल देता है। वासी के पास एक अच्छी कहानी है और नायक और नायिका के बीच टकराव पैदा करने का विचार है। वह भी नायक धारा पीड़ित पक्ष को प्रस्तुत करते हुए, नायिका आरोपी को प्रस्तुत करते हुए निर्देशक विष्णु ने लैंगिक राजनीति पूर्वाग्रहों से बचने के लिए स्मार्ट विकल्प चुना। हालांकि उन्होंने इस उम्दा कहानी को अच्छी स्क्रिप्ट के साथ पेश करने में सक्षम नहीं हो सका। कुछ अच्छी तरह से लिखे हुए गए क्षण है, लेकिन नाटक के तर्क में खामियां के कारण वे कमजोर हो गए हैं। फिल्म का पहला भाग साफ सुथरा है। फिल्म की हल्की फुल्की प्रकृति है, बिना ज्यादा बढ़ाए अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। दूसरे भाग में फिल्म अपनी गति खो देती है। इसमें एक संवाद है कि सब कुछ हर कोई ग्रे है, लेकिन यह स्क्रीन पर दृश्य रूप से उस बिंदु को नहीं बनाता है। इसमें स्पष्ट रूप से अच्छा और बुरा अंतर है। मामला यह है कि निर्देशक ने मुख्य किरदारों को उजागर किया है। बेहतर लेखन से फिल्म विशेष रूप से दूसरे भाग को अधिक ध्वनिमय बनाया जा सकता था। वासी हमें याद दिलाता है कि सभी महान विचारों को स्क्रीन पर जटिल रूप से स्थानांतरित नहीं किया जाता है। एबिन मैथ्यू ने के रूप में टोविनो थॉमस उत्कृष्ट थे। उनका आकर्षण और सूक्ष्म प्रदर्शन हमें फिल्म के कमजोर क्षेत्रों में भी देखने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने अपने विजयी प्रदर्शन के साथ पूरी तरह से फिल्म को अपने कंधे पर उठाया।
माधवी के रूप में कीर्ति सुरेश ठीक थी, निश्चित रूप से उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन अधिकांश प्रमुख दृश्यों में वो बस अनभिज्ञ दिखी। कोई उनके चरित्र चित्रण को भी दोष दे सकता है या दूसरे भाग में लड़खड़ाता है, जो उनके चरित्र के प्रति अधिक उदासीनता पैदा करता है, जिससे हम अंतिम दृश्य में तर्क के माधवी या एबिना के पक्ष के बीच उलझन में असफल हो जाते हैं। तकनीकी रूप से वाशी पर्याप्त है। नील डी कुन्हा की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और अदालत के माहौल और उसके परिवेश को वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। कैलाश मेनन के गाने सुखदायक है। वे फील गुड मोंटाज के साथ फिल्म के साथ प्रभावित होते हैं और स्कोर धारा यक्षन और नेहा ठीक है। इसके सबसे गंभीर दृश्य में बीजीएम और अधिक तीव्र हो सकता था। अर्जुन बेन धारा संपादन एकदम सही है। केवल 2 घंटे 3 मिनट के रन टाइम के साथ संपादक ने सुनिश्चित किया कि फिल्म कई विचलन के बिना कुरकुरा बनी रहे। एक सुंदर इंटरकट जुक्सापोज़िशन है। पहले भाग में एक नाटकीय अदालत के दृश्य है और एक शादी के दृश्य के बीच यह हमारे अंदर नेतृत्व की प्रबल भावना को दर्ज करता है। वशी के पास कोर्टरूम ड्रामा के प्रति एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, जो दर्शकों को बुद्धिमत्ता का सामना करता है, एक संवेदनशील मुद्दे को चतुराई से संभालता है और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। निर्माता कोर्टरूम ड्रामा को उतनी गंभीर से नहीं लेते हैं, लेकिन ड्रामा आकर्षक है। वाशी का कोर्टरूम ड्रामा सिनेमा के प्रति एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। फिल्म का एक अच्छा हिस्सा अदालत कक्ष में घटित होता है, जबकि बाकी हिस्सा वकीलों के घर में जटिल होता है। कोर्टरूम ड्रामा काफी दिलचस्प है क्योंकि दोनों कानूनी प्रतिनिधि अपने मुवक्किल के पक्ष में फैसले के लिए ठोस तर्क पेश करते हैं। चूंकि कीर्ति और टोबिनो स्टार है, इसलिए उनमें से किसी एक के लिए केस जितना आसान बनाना अच्छा विचार नहीं होगा। आमतौर पर इस शैली की फिल्म में होता यह है कि एक नकारात्मक वकील का किरदार व्यज्ञ के साथ विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वाशी में शायद ही कोई व्यज्ञ या जीत का कोई आसान रास्ता है। यह दर्शकों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करता है, एक संवेदनशील मुद्दे को चतुराई से संभालता है और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। हालांकि निर्माता कोर्टरूम ड्रामा को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस तरह की फिल्म तब सब अच्छा काम करती है जब दो वकील अपने मामले में गहराई से शामिल होते हैं। हालांकि वाशी में न तो टोविनो का चरित्र और न ही कीर्ति सुरेश का चरित्र मामले की गहराई तक जाता है। जब आप उन्हें उनकी भूमिकाएं निभाते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे इस मामले में उतने निवेशित नहीं हैं, जितना कि उनकी कुछ पंक्तियों से पता चलता है। यह पूरी तरह से अभिनेताओं की गलती नहीं है, क्योंकि निर्माताओं ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। निर्माता हमें बताते रहते हैं कि वकील नहीं चाहते कि उनका पेशेवर जीवन उनके निजी जीवन में प्रवेश करे, भले ही रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। हमारे जीवन के दो पहलुओं को अलग रखना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन कोर्टरूम शैली का सिनेमा उस तरह से काम नहीं करता है। वासी 2022 भारतीय मलयालम भाषा की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जो विष्णु जी राघव द्वारा लिखित और निर्देशित है और जी सुरेश कुमार द्वारा निर्मित और मेनका सुरेश और रेवती सुरेश द्वारा सहनिर्मित है। फिल्म में टोबिनो थॉमस और कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में हैं। संगीत कैलाश मेनन द्वारा रचित है, छायांकन नील डी कुन्हा द्वारा और संपादन आरजू बेन द्वारा किया गया है। फिल्म 17 जून 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 17 नवंबर 2021 को शुरू हुई और फिल्मांकन 19 जनवरी 2022 को पूरा हुआ। यह फिल्म 17 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर 17 जुलाई 2022 से मलयालम और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के डब संस्करण में शुरू हुई। वासी का साउंड ट्रैक कैलाश मेनन द्वारा रचित है और गीत विनायक शासी कुमार के हैं। फिल्म के संगीत अधिकार थिंक म्यूजिक के स्वामित्व में है। एक बातचीत के दौरान फिल्म के केंद्रीय पात्र जो वकील है, इस विचार पर सहमत है
कि जीवन में कोई काला और सफेद नहीं है, बल्कि सब कुछ भूरे रंग के विभिन्न शेड्स हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रे बनाने के लिए सबसे बुनियादी संयोजन काला और सफेद है। जूनियर वकील एविन मैथ्यू टोविनो थॉमस और माधवी मेहन कीर्ति सुरेश दोस्त हैं, जो किसी भी जूनियर वकील के समान संघर्ष साझा करते हैं। जैसे ही वे अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं पर भी सवाल उठा सकती है। फिल्म इस बारे में है कि दोनों जो समान रूप से सक्षम और अहंकारी हैं, स्थिति को कैसे संभालते हैं। जेनिस चाको साइमन की कहानी पर आधारित विष्णु जी राघव की पहली निर्देशित फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है, जो दो माननीय कानूनी पेशेवरों के जीवन के माध्यम से सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दे पर बात करने का प्रयास करती है, जो भागीदारी भी है। फिल्म जो कई भाषाओं में कई फिल्मों की याद दिलाती है, जहां पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण रिश्ते में टकराव पैदा होता है। इसकी पटकथा कमजोर है और यह हमले और नारीवाद पर गलत धारणा देती है। हालांकि टोविनो थॉमस ने एविन को ठीक से प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन कीर्ति सुरेश, जो कुछ समय के बाद मलयालम सिनेमा में मुख्य भूमिका में दिखाई देती है, माधवी को जीवन देने में विफल रहती है। वह उस मजबूत महिला की भूमिका निभाने के लिए बहुत जोरदार प्रयास करती है, जिसे समान अब फैसले नारीवाद के माध्यम से मनाता है, जबकि वह बोल्ड किरदार बनने के लिए कड़ी मेहनत करती है, जिसमें उसकी शारीरिक भाषा और चेहरे की मुस्कुराहट के कारण स्क्रिप्ट में गहराई की कमी होती है। फिल्म एक बार फिर समकालीन महिलाओं पर पर्दा मर्दाना वस्तुकरण को मजबूत करती है। वर्तमान शहरी मलयाली परिदृश्य में रखे जाने के बावजूद पात्र और विषय पितृसत्तात्मक अधिपन्य वर्ग में निहित महिला पहचान पर परंपराओं और रूढ़ियों से चिपके रहते हैं। यह प्रशंसनीय है कि पुरुष और महिला दोनों नायकों को समान स्थान दिया गया है। फिर भी जैसा कि वह फिल्म में दावा करते हैं, फिल्म माधवी को एक दृढ़ नारीवादी बनने में विफल रहती है। यह प्रयास बहुत सतही है और सच्ची क्षमता वाली मुक्त महिलाओं को निराश करती है। यहाँ एक बार फिर महिलाओं को शादी की शर्तों और रोने के लिए एक पुरुष के कंधे से भरे बक्से के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। विनायक शशि कुमार के गीतों के साथ कैलाश का संगीत कभी कभी राहत लाता है। हर बिंदु पर जब महिला या कोई अन्य अल्पसंख्यक लिंग अपने साथ होने वाले भेदभाव पर चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो हैशटैग #MeToo हो या लिंग आधारित हिंसा, हमने ऐसी फिल्म देखी है जो उस विचार को नकारती है और पुरुष कल्पनाओं को सामने लाकर प्रमुख पुरुषत्व को सही ठहराती है। सोचा ऐसा फिल्मों को सशक्तिकरण का टैग नहीं दिया जा सकता, जब कोई प्रताड़ित लोग अभी भी चुप्पी में रहे हैं और कई अन्य लोग कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता की 2017 की फिल्म का बहुचर्चित संवाद से और वादी नहीं है का इस्तेमाल किसी दुर्व्यवहार को सही ठहराने के लिए किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि फिल्म दर्शकों के मानस पर क्या प्रभाव डाल सकती है। फिल्म से पता चला है कि फिल्म बिरादरी को रिश्तों, सहमति, दुर्व्यवहार, हमले और नारीवाद पर अभी भी कोई विचार नहीं है। यह उन पुरुष लेखकों के लिए सही समय है जो बाजार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कहानी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जटिल महिला पात्रों को पेश करने का जोखिम उठाते हैं, ताकि महिलाओं को समझ सके जीवन, प्रेम, विवाह, नारीवाद और साहचर्य पर उनके विचार समझ सके। निष्कर्ष निकालते हुए आइए सामने रखे कि को अन्य पुरुष रंगों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है, क्या इससे दुनिया को असंख्य दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। जीवन में वास्तव में कुछ भी काला और सफेद नहीं है। अक्सर हमारा रंगीन प्रतीत होने वाला जीवन दूसर रंगों से प्रभावित होता है। टोविनो थॉमस और कीर्ति सुरेश अभिनीत वाशी ऐसे परेशान
करने वाले रुझानों की खोज करने का एक सरल प्रयास है, जिसे तो वकीलों के दृष्टिकोण से बताया गया है, जो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एविन, मैथ्यू और माधवी दो वकील अपने करियर में ब्रेक पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ज्यादातर समय झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जीवन तब जटिल हो जाता है जब वो एक मामले के दो छोर पर पहुंच जाते हैं जो उनके भविष्य का निर्धारण करेगा। शुरुआत में कहानी धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से सामने आती है, जैसे ही कि नवोदित निर्देशक विष्णु राघव पात्रों को विपरीत दिशाओं में रखने से पहले हमें उनसे परिचित कराने के लिए अपना समय लेना चाहते थे। उन्होंने इसमें अच्छा काम किया है। कीर्ति सुरेश और टोविनो थॉमस को उनके लिए प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त जगह थी, ताकि हमें उनके किरदारों से प्यार हो जाए। दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। अधिकांश मलयालम कानूनी नाटकों के विपरीत वासी अधिक सूक्ष्म है। इलाज भी काफी ताजा है। यह केवल अदालत कक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, न ही यह आक्रामक वकीलों को चित्रित करता है, जो केवल एक बिंदु तक पहुंचने के लिए सामाजिक मुद्दों या घटनाओं के बारे में वक्त टू अवतार से बात करते हैं। यह मामला जो अदालत और घर दोनों में माधवी और एबीन के लिए विवाद का विषय बन गया है, हाल के दिनों में मॉलीवुड में माने जाने वाले मामलों से भी काफी अलग है। फिल्म के निर्माताओं ने समय समय पर कुछ प्रासंगिक बिंदुओं को सामने लाते हुए एक विशेष कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें शिक्षित करने में अपना योगदान दिया है। हालांकि कुछ दृश्यों में देरी है, शायद कुछ क्षेत्रों में नाटकीयता की कमी के कारण, और स्क्रिप्ट में कुछ खामियां हैं, लेकिन फिल्म इन चुनौतियों को पार करने में सक्षम है, खासकर अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण। कीर्ति सुरेश इस फिल्म के माध्यम से मॉलीवुड में एक बड़ी वापसी कर रही है, और माधवी के रूप में उनके प्रदर्शन ने स्थापित किया है कि वह एक रत्न है जिसे उद्योग में अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि वह यही रहने का फैसला करे। तो विनय युवा और खूबसूरत वकील एविन मैथ्यू की भूमिका निभाते हैं, जो एक सहज लेकिन पेशेवर वकील के रूप में सामने आते हैं, जो दिल से रोमांटिक भी है, हालांकि एक ऐसे अभिनेता के लिए जिसने हमें कुछ प्रभावशाली आश्चर्यचकित करने वाला प्रदर्शन दिया है। यह स्पष्ट रूप से उसका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बैजू को एबीन और माधवी दोनों के मित्र और विश्वास पात्र हंसमुख वकील सतीश मल्लूर की भूमिका निभाते हुए देखना मजेदार है। चतुर व्यवसायी जोश के रूप में रोनी डेविड ने भी अच्छा काम किया है, जबकि अन्य कलाकार माया विश्वनाथ, नंदू कोट्टयम, रमेश अपने अभिनय से प्रभावित करते हैं। हालांकि ध्वनि प्रभाव कभी कभी परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन कैलाश मेनन के गदे गाने और विनायक शशि कुमार के लिखे गाने मनभावन हैं। कुल मिलाकर वाशी हम पर एक प्रभाव छोड़ती है, जिससे हमें दर्शकों पर विषय थोपे बिना मामले के बारे में सोचने का कुछ समय मिलता है। अभिनेता विष्णु राघव द्वारा निर्देशित और वकील के रूप में कीर्ति सुरेश और टोविनो थॉमस अभिनीत वाशी को कसकर पैक किया गया है, और इसमें कुछ सुंदर प्रदर्शन है। वाशी साइड स्टोरीज को ज्यादा नहीं खींचती बल्कि सीधे मुद्दे पर आती है। यह फिल्म अदालत कक्ष की तरह कम समय में बताने के लिए बहुत कुछ है। वकील की भूमिका निभा रहे कीर्ति सुरेश और टोविनो थॉमस इसे दिलचस्प बनाते हैं। यह बिल्कुल नया विषय नहीं है। जीवन में साझेदारों को अदालत में युद्ध करना पड़ता है, लेकिन अपनी पहली फीचर फिल्म का निर्देशन करने वाले अभिनेता विष्णु राघव द्वारा फिल्म की गति और उसके उचार की सराहना की जानी चाहिए। परिचय काफी तेजी से होती है। एविन मैथ्यू के रूप में टोविनो एक कार्यालय के बिना संघर्ष, वकील कीर्ति सुरेश माधवी मोहन के रूप में एक जूनियर वकील जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, और बैजू एक अद्भुत प्रदर्शन में उन दोनों के लिए एक सलाहकार के रूप में कैमरे धारा अपने चेहरे दिखाने में थोड़ी देरी को छोड़कर मुख्य पात्र बिना किसी उपद्रव के कहानी में प्रवेश करते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत, उनकी प्रतिक्रियाओं और संक्षिप्त विस्फोटों में सामने आता है। आप जानते हैं माधवी अधिक
गंभीर है, अपने काम पर काफी केंद्रित है, कम मुस्कुराती है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत स्पष्ट है। कीर्ति यहाँ अद्भुत है, सूक्ष्मता उसकी विशेषता प्रतीत होती है। एबीन अधिक आकस्मिक है, चीजों को हल्के में लेता है, लेकिन जब काम की बात आती है तो वह काफी अहंकारी होता है। यह भूमिका टोबिनो के लिए लगभग तैयार की गई है, शीर्षक से, जिसका अर्थ है हर्ट। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी किस ओर जा रही है। एक मामला सामने आता है और एबीन और माधवी अदालत में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक याचिकाकर्ता का पक्ष ले रहा है और दूसरा बचाव पक्ष का। इससे पहले हमें उनके दोनों परिवारों से परिचित कराया जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गीतों कैलाश मेनन द्वारा संगीत का चतुराई से उपयोग किया जाता है। इस जोड़े के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई अजीब दृश्य या विशेष रूप से बनाए गए क्षण नहीं है। इसे चीजों के प्रवाह में बाहर आने की अनुमति दी जाती है। जब एबीन द्वारा माधवी के मन को जानने की एक मनोरंजन रणनीति विफल हो जाती है, माधवी अधिकांतर करियर के केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सामने आती है। वह उस गति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिस गति से उनका रिश्ता जल्दी ही शादी में बदल जाता है और परिवार इसमें शामिल हो जाते हैं। एबीन जो अपने बहनोई रोनी डेवी रूप में की मदद से सरकारी वकील बन गया है, अब भी सहज स्वभाव का है, लेकिन परिवार और तस्वीर में मौजूद सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। दोसाजी तक भी होती है जब अदालत में उन्हें विपरीत दिशा में खड़ा करने वाला मामला उत्साह पूर्वक चल रहा होता है। आपको आश्चर्य होता है कि वे शादी क्यों जारी रखेंगे, जबकि वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे पर हमलावर हैं और अदालत कक्ष में व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं। एबीन के लगातार इस आग्रह के बावजूद कि वे पेशेवर और व्यक्तिगत को पूरी तरह से अलग रखते हैं, अदालत में मतभेद उनके जीवन में स्पष्ट रूप से व्यक्त है। स्क्रिप्ट शायद जानबूझकर महिलाओं के अधिकारों के बारे में हमेशा मुखर रहने वाले माधवी को एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत आरोपी के पक्ष में खड़ा करती है। अनुमोहन माधवी के ग्राहक के रूप में दिखाई देते हैं। उन पर एक महिला को यह विश्वास दिलाने के बाद कि वे शादी करेंगी, उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। अबीन, जिसने एक बार गरीब पुरुषों को गलत तरीके से मामलों में फंसाया के बारे में बात की थी, महिला की वकील बन जाती है। यह शायद आपको यह दिखाने की एक चाल है कि वे दोनों कितने पेशेवर हैं। किसी मामले को लड़ते समय अपने हट विश्वास के लिए खिलाफ जा रहे हैं या फिर वे कितने प्रतिस्पर्धी हैं, किसी भी चीज से ज्यादा दूसरे के खिलाफ जितना चाहते हैं। हालांकि अदालत के दृश्य और रुक रुक कर होने वाले व्यक्तिगत आदान प्रदान सही ढंग से रखे गए हैं, लेकिन वे आपके साथ इतना नहीं जुड़ते हैं कि आप किसी भी वकील के पक्ष में हो जाए या परिणाम के बारे में ज्यादा परवाह न करें। स्क्रिप्ट अच्छी गति वाली होने के बावजूद उस गहराई का अभाव है जो आपको बांधे रख सकती है, जैसा कि कोर्ट थ्रिलर कर सकती है। सच कहे तो यह एक थ्रिलर से ज्यादा एक रिलेशनशिप ड्रामा है। उस मामले में भी रिश्ता और त्वरित शादी, जबकि उनमें से एक भी इसके लिए तैयार नहीं है, जल्दबाजी और असंबद्ध प्रतीत होता है। यह एक दिलचस्प विचार के रूप में काम करता है, अच्छी गति से चलता है, बिना नाटक के स्क्रिप्टेड है और कुछ सुंदर प्रदर्शनों से भरपूर है।